आज की वीडियो में मैं आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म डिजाइन टूल ग्रेविट डिजाइनर की मदद से एक खूबसूरत लैंडिंग पेज डिजाइन करना सिखाऊंगा। ये लैंडिंग पेज एक मशहूर प्लगइन WP फॉर्म्स का है। आप देख रहे हैं कि ये प्लगइन का वो पेज है जो हम डिजाइन करेंगे। आप टॉप से शुरू करेंगे और फुटर सेक्शन और इसके बाद क्रेडिट सेक्शन तक तमाम की तमाम जो पेज है वो हम ग्रेविट डिजाइनर की मदद से डिजाइन करेंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल्स पर खुश आमदेद, मेरा नाम शाह मुइनुद्दीन है। आज की वीडियो ग्रेविट डिजाइनर की एक और वीडियो, और आज हम एक मुकम्मल लैंडिंग पेज का जो है वो रेप्लिका बनाएंगे क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल ग्रेविट डिज़ाइनर को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने अभी तक ग्रेविट डिज़ाइनर को डाउनलोड नहीं किया तो आप designer.io इसकी वेबसाइट है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे ऑनलाइन ब्राउज़र में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप जो है वो इसको अपना जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए डाउनलोड करें और इसे इस्तेमाल करें। लिनक्स, मैक, विंडो तीनों के लिए अवेलेबल है, क्रोम OS के लिए भी अवेलेबल है। तो इसी को हम यूज़ करेंगे और एक लैंडिंग पेज जो कि होम पेज भी है, WP फॉर्म्स, बड़ा मशहूर फॉर्म्स का प्लगइन है वर्डप्रेस के लिए, इसकी ये वेबसाइट है। आप इसे लैंडिंग पेज कह सकते हैं, होम पेज है ये, सेल्स पेज है। इसका जो है वो हम रेप्लिका बनाएंगे। ये मुख्तलिफ सेक्शन है इसके, हेडर आप देखें, और फिर ये आपका हीरो एरिया कंटेंट का सेक्शन है ये, और आगे नीचे जो है वो हैं इसके मुख्तलिफ रिव्यूज़ हैं, टेस्टिमोनियल्स, और ये और एक सेक्शन है, और फिर कॉल टू एक्शन, और ये एक ब्लॉग का सेक्शन, और फिर FAQs या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और दोबारा से यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कॉल टू एक्शन है, और फिर फुटर है, और प्राइवेसी या जो कॉपीराइट का सेक्शन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो काफ़ी एक बड़ा लैंडिंग पेज है। तो शुरू करते हैं ग्रेविट डिज़ाइनर में। इसको मैंने ये किया जी कि इसकी सेल्स कॉपी जो है या जो टेक्स्ट है वो सारा कॉपी करके लिख लिया है, अपने पास रख लिए, और सारी इमेजेस जो इस पर इस्तेमाल हुई हैं वो भी सेव कर लिए हैं। एक काम और मैंने किया है कि इसका मुकम्मल स्क्रीनशॉट ले लिया है, ताकि मुझे बार बार ये जो साइट है ये ना खोलनी पड़े और मैं उसे गाइड के तौर पर इस्तेमाल करूँ। तो चलें शुरू करते हैं ग्रेविट डिज़ाइनर। ग्रेविट डिज़ाइनर को ओपन करेंगे आप तो ये इसकी स्टार्ट स्क्रीन, यहाँ पर आप साइज जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो नहीं लिखने जा रहा साइज़, और क्रिएट पर क्लिक कर रहा हूँ। तो एक इनफिनिट जो कैनवस है वो मेरे पास आ गया है। तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि जो मैंने स्क्रीन शॉट लिया है वो फाइल में जाके इम्पोर्ट और प्लेस इमेज, और यहाँ से मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ, माय प्रोजेक्ट्स, डिटेल्स, वेब कंटेंट, और यहाँ पर मैंने वो रखा हुआ है स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट है जी। कंट्रोल ज़ीरो शॉर्टकट की है ये, अगर मैं प्रेस करूँ कंट्रोल आल्ट ज़ीरो तो ये मुकम्मल मेरे पास नज़र आ रहा है इस वक्त, आप देख सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ गाइड्स, यहाँ पर गाइड्स लगा लेता हूँ, और एक काम और करता हूँ, कैनवस के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से ये ट्रिम कैनवस इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इससे ये हुआ है कि जो आपका इन्फिनिट कैनवस था वो इस इमेज के साइज़, ये जो स्क्रीन शॉट इमेज था इसके साइज़ के मुताबिक हो गया है। 90:20 फुल HD विड्थ था इसकी, और 6315 पिक्सल जो है वो इसकी हाइट है। कंट्रोल ज़ीरो तो ये 100% व्यू आ गया, कंट्रोल आल्ट अगर ज़ीरो आप करेंगे तो ये मुकम्मल जो है वो आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। मैं दोबारा कंट्रोल ज़ीरो करता हूँ, और अभी हम ये करते हैं कि मैं स्क्रीनशॉट को कर देता हूँ, इसकी जो ओपेसिटी है ये जो इमेज है इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेयर पैनल में से, और इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं
काफी कम कर देता हूँ, 50% कर देता हूँ और इसे मैं लॉक कर देता हूँ। अब मैं चेक करूँगा कि ये 90-20 जो है वो इसका कैनवस का साइज है, लेकिन जो एक्चुअल बना है पेज उसका साइज क्या है, मतलब जिस लैंडिंग पेज पर जिस एरिया में कंटेंट मौजूद है उसका साइज क्या है। तो उसके लिए मैं यूं कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई एक ये सेक्शन मेरे ख्याल में ठीक रहेगा, ये शेप है, यहाँ से शेप आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी रेक्टेंगल शेप में सिलेक्ट करूँगा और आर इसकी शॉर्टकट की है, और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, हम इसको कर लेते हैं जूम, और अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ ये करीब यहाँ तक, और इसकी ओपेसिटी भी आप चाहें तो कम कर दें, और इधर से भी आप देखें कि ये तकरीबन 960 बड़ी पॉपुलर साइज है, 960 जो है इस पर ये इस ग्रेड पर ये जो लैंडिंग पेज है ये बनाया गया है। तो ये हमें पता चल गया। अब मैं ये करूँगा कि जितने भी सेक्शंस हैं इस लैंडिंग पेज के अंदर आप देखें एक से ज्यादा सेक्शंस इस्तेमाल हुए हैं, उनके अलहदा अलहदा फोल्डर जो है वो मैं बना दूंगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट की प्रेस की तो डिलीट हो गया, और अब मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले जो आपका ये लेयर जो है लेयर ग्रुप है, यहाँ से मैं लेयर ग्रुप सेलेक्ट करूँगा एक, इसको ये स्क्रीन शॉट से नीचे ले आया मैं, और इसका नाम मैं रखता हूँ हेडर। हेडर एरिया सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, इस हेडर का एक फोल्डर बना लिया मैंने और रेक्टेंगल शेप आर से सिलेक्ट की, और यूं मैंने एक बना लिया रेक्टेंगल, और ये जो रेक्टेंगल है इसका साइज है करीबन 180 हाइट में इसकी कर देता हूँ, विड्थ इसकी फुल विड्थ है ये 90-20, और इसका कलर मुझे चेक करना है कौन सा मैं रखने जा रहा हूँ, तो इसके लिए ये स्क्रीन शॉट को दोबारा से करके 100% किया मैंने, तो ये यहाँ से अब मैं इसका कलर जो है वो फिल कर सकता हूँ, ये वाला कलर फिल कर लिया मैंने। स्क्रीन शॉट को दोबारा मैं 50% कर देता हूँ, कलर जो हैं वो हम एक दफ़ा ये सारी लेआउट बना लें तो इसके बाद जो कलर्स हैं वो डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा जी, हेडर सेक्शन हो गया हमारा। अब मैं ये करूँगा कि इसी सेक्शन को सिलेक्ट करूँगा, इस लेयर फोल्डर को कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूँगा, तो ये एक और मेरे पास जो सेक्शन है वो आ गया है। अब जो नीचे वाला सेक्शन है, नीचे वाली जो लेयर है उसको मैं सिलेक्ट किया और इसका नाम मैं कर देता हूँ हीरो एरिया। हीरो एरिया मैं चाह रहा हूँ कि पहले एक पूरी लेआउट बन जाए ताकि आगे जो काम है वो आसान हो जाए, और ये हीरो एरिया जाता है, अगर मैं गाइड इसके ऊपर लगा लूँ तो मेरे ख्याल में मेरे लिए सहूलत हो जाएगी। इनको लॉक कर दें ज़रा, और ज़रा गाइड जो है वो लगा लेते हैं। यहाँ से जो स्क्रीन शॉट है उसको मैंने कर लिया है मुकम्मल तौर पर, ओपेसिटी इसकी फुल 100% कर दी है, और अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि गाइड्स लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये हेडर का एरिया है हमारा और ये है करीब हमारा, जूम करके आप देख सकते हैं ये हमारा है हीरो एरिया, और अब यहाँ पर भी मैंने गाइड ऐड कर लिए। अच्छा, अगला जो हमारा सेक्शन है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर एक और गाइड ऐड की मैंने, फिर ये सेक्शन नया जो है अगला वो यहाँ ख़त्म हो रहा है, जो टेस्टिमोनियल का सेक्शन है यहाँ पर एक गाइड ऐड कर ली, अगला ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर एक गाइड हम ऐड करेंगे। आप जूम करके देख सकते हैं, अगर आपको मसला हो तो कंट्रोल ज़ीरो से दोबारा हम आगे वापस 100% व्यू पर एक और गाइड ड्रैग करके मैंने यहाँ तक कर ली, थोड़ा सा जूम करके इसको मैं कंट्रोल आल्ट ज़ीरो प्रेस करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये देखिए ये हो गया एक और गाइड।
अगले सेक्शन तक के लिए। और अब मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का ये जो सेक्शन है इसके लिए एक गाइड यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। और दोबारा कॉल टू एक्शन का सेक्शन है, यहाँ पर एक गाइड होगी, एक गाइड हम ऐड करेंगे अगले सेक्शन फुटर सेक्शन के लिए, और एक गाइड जो है वो यहाँ पर एंड हो रहा है हमारा डॉक्यूमेंट। ये कंट्रोल आल्ट जीरो, और ये देखिए मुकम्मल गाइड्स जो हैं वो सेक्शन के हिसाब से हमने ऐड कर लिए। अब मैं ये करूँगा, हम जूम कर लेते हैं इसको, और स्पेस बार से आप मूव कर सकते हैं पूरे जो कैनवस है उसको। स्क्रीनशॉट को दोबारा से मैं कर देता हूँ ओपेसिटी की कम 50% कर देता हूँ, और इसे कर देता हूँ मैं लॉक। और अब मेरे लिए सेक्शन बनाना काफ़ी आसान होगा। ये हीरो एरिया, मैंने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ तक ले आया इसको। ये हीरो एरिया के लिए मेरा बन गया है, आप कह सकते हैं एक फोल्डर। कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से दोबारा पेस्ट, कंट्रोल जेड यहाँ पर इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और हीरो एरिया के नीचे जो हमारा सेक्शन है इसको मैं नाम दे देता हूँ फीचर सेक्शन का, FEATURE सेक्शन। और ये जो है इसके लिए जो बॉक्स है वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कहाँ तक ये यहाँ ख़त्म हो रहा है। और अब देखें, आप देख सकते हैं कि हर हर जो लेयर ग्रुप बना रहा हूँ मैं उसके अंदर एक क्या बन गया, एक रेक्टेंगल जो है वो बन रहा है। सारा कंटेंट जो है हम इस लैंडिंग पेज का वो इसी के अंदर रखेंगे। दोबारा से आखिरी जो फोल्डर है उसको सिलेक्ट किया है और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और अब ये जो सेक्शन है इसका नाम है टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल। और ये जो है ये शुरू हो रहा है, ये वाला सेक्शन को इसको मैं ओपन करूंगा। रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया मैंने और ये रेक्टेंगल जो है वो देखें यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। अगला जो सेक्शन है इसको रीजन सेक्शन का मैं नाम दे देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसका नाम रीजन सेक्शन, कोई भी नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। आप कोशिश करें कि ऐसे नाम रखें जिनसे पहचान आसानी से हो जाए। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें और इसको हम ले आएंगे यहाँ तक। एक अगला सेक्शन है कॉल टू एक्शन, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, CTA 1 इसका नाम मैं रख रहा हूँ क्योंकि एक नीचे कॉल टू एक्शन का सेक्शन भी मौजूद है। और इसके लिए ये मैं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मज़ीद जूम कर लिया है और ये बन गया कॉल टू एक्शन 1 का। और अगला ब्लॉक का है जी हमारा सेक्शन, तो इसको दोबारा कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ब्लॉक एरिया। और अब इसके रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी से, आप अगर कभी गलती हो जाए तो कंट्रोल जी से अंडू कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा हो गया, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। मुझे देखना होगा, मैंने गलती शायद कर दी है, ये देखें गलती कर दी है मैंने। ये वाला सेक्शन जो था उसको मैं नीचे ले आया हूँ, कंट्रोल जी कर देते हैं, कंट्रोल जी दोबारा से, और ये ब्लॉग एरिया इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसका जो है वो यहाँ तक हम ले आए, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, ब्लॉक एरिया हमारा हो गया। FAQ का सेक्शन बनाना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसका नाम है FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें और अब मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो है वो यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का। और अब एक और कॉल टू एक्शन का है, तो अब मैं कॉल टू एक्शन वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल सी से कंट्रोल वी पेस्ट,
और जो नीचे वाला कॉल टू एक्शन है उसको मैं सबसे नीचे ले आया हूँ, ड्रैग करके कॉल टू एक्शन टू का नाम दे दिया इसको। और अब मैं इसे ड्रैग करके यहाँ तक ले आया। आप देखें एक कॉल टू एक्शन ये ऊपर है, आप देखेंगे इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये वाला सेलेक्ट हो गया, और ये एक कॉल टू एक्शन नीचे ये वाला सेलेक्ट कर लिया मैंने। कॉल टू एक्शन को अब कॉपी करूँगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये जो हमारा एरिया है ये है फुटर, और फुटर को सेलेक्ट किया मैंने रेक्टेंगल, और ये बन गया रेक्टेंगल फुटर का। और अब आखिरी सेक्शन है हमारा कॉपीराइट का, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपीराइट, और इसको यहाँ ले आए जी हम। आप देखें कंट्रोल आल्ट जीरो, तमाम सेक्शंस जो थे वो बन गए हैं। अब कंट्रोल और कामा अगर आप प्रेस करें या व्यू में जाके अगर आप करें इसकी शॉर्टकट की शो ग्रिड और ये शो गाइडलाइन, कंट्रोल प्लस ये कामा ही है ये गाइडलाइन को हाइड करने के लिए और शो करने के लिए, मेरे पास पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा। बहरहाल यहाँ से हम ये इसकी गाइडलाइन जो है वो हाइड और शो कर सकते हैं, ये भी मैंने कहा आपको बताता चलूं। अब यूं करेंगे जी कि ये स्क्रीनशॉट की जो रेजोल्यूशन है ये 100% मैं कर रहा हूं, और जितने भी सेक्शन बनाए हैं हमने अब इन सब के जो कलर है कलर स्कीम है बैकग्राउंड कलर स्कीम है वो हम यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें ये बार बार हमें चेंज ना करनी पड़े। अगर आप प्लान करके लैंडिंग पेज को चलें, वेबसाइट डिज़ाइन को प्लान करके बनाना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी आसान हो जाता है काम। तो हेडर के सेक्शन में जाएं, रेक्टेंगल सेलेक्ट करें, आप देखेंगे जो ही रेक्टेंगल आपने सेलेक्ट किया ये यहाँ पर इसके जो हैंडल हैं वो शो हो गए हैं। अब ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से फिल मैंने कर लेना है, ये कलर पिकर आप पिक करेंगे और यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो ये रेक्टेंगल फिल हो गया है इस कलर से। यहाँ पर अभी नजर नहीं आ रहा क्योंकि स्क्रीन शॉट जो है वो सबसे ऊपर है। अगर मैं स्क्रीन शॉट को यहाँ से हाइड कर दूं तो आप देखें कि ये एग्जैक्टली वही कलर इसका फिल हुआ है जो हमारा नीचे कलर है। बेसिकली सारे इसी कलर में है क्योंकि पहला जो हमने रेक्टेंगल बनाया था वो हमने इसी कलर में फिल किया हुआ था, तो बाकी आप देखेंगे आगे के ऐसा नहीं होगा। हीरो एरिया में जाते हैं आप और रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, देख लें आपके वही सिलेक्ट हो, दोबारा से यहाँ से पिक किया और ये वाला हमने कर लिया जी। आगे फीचर सेक्शन वाइट है, यहाँ से इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और जाके वाइट अब हम चेक करते हैं। आप देखें ये हेडर एरिया, ये आपका हीरो एरिया और ये फीचर सेक्शन, अब ये वाइट हो गया है। अगला हम देखते हैं अगला कौन सा है कलर, और दोबारा से ये कलर है टेस्टिमोनियल का ग्रे कलर है, वही वाला सेलेक्ट कर लिया हमने। आगे रीजन सेक्शन है, इसका जो रेक्टेंगल है उसका कलर वाइट होना चाहिए, ये हो गया। कॉल टू एक्शन सेक्शन है, डार्क ग्रे कलर है ब्लैक के करीब, कलर कोड आप यहां से देख सकते हैं इसका कौन सा है 2222। आगे हम दोबारा से ब्लॉग एरिया में जाएंगे, रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे ग्रे दोबारा से, और जो एफएक्यू सेक्शन है हमारा वो प्योर वाइट है। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है आपने, देख लें एफएक्यू का ही सिलेक्ट हो, वाइट कर देंगे। और कॉल टू एक्शन टू दोबारा से ग्रे डार्क ग्रे है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। फुटर में जाके हम करेंगे ये फुटर रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और यहाँ से ये ग्रे सिलेक्ट कर लिया। कॉपीराइट के सेक्शन में गए और कॉपीराइट का जो वाइट है वो भी मैंने कर लिया। कंट्रोल आल्ट जीरो प्रेस करता हूँ और अब मैं ये जो सबसे ऊपर हमारी स्क्रीन शॉट है इसको हाइड करते हैं, तो आप देखें कि एक पूरे लेआउट मेरे पास इस वेबसाइट की मेरे पास बन गई है सारे सेक्शंस की, और अब मैं आसानी से इसके अंदर जो कंटेंट है वो फिल कर सकता हूँ। तो चलें अब उसकी तरफ चलते हैं। दोबारा से स्क्रीनशॉट को मैं जो है वो ऑन कर रहा हूँ और कंट्रोल जीरो, टॉप पर हम चले जाएंगे,
एक काम मेरे ख्याल है मैं और कर लूँ, वो ये है कि ये जो बटन्स के कलर हैं इनको अगर आप चाहें तो स्वेचेस वगैरह में ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका ये है कि ये कहीं पर भी मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और फिल में जाके इसका जो कलर है वो ये सिलेक्ट किया और इसके बाद इसको ये प्लस का साइन कर दिया, तो ये इस डॉक्यूमेंट की जो स्वेच है उसमें ये ऐड हो गया है। इसी तरह से और जो कलर जो कॉमन इस्तेमाल में आएंगी वो भी मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ये एक ब्लैक है, एक ग्रे है। इसी रेक्टेंगल को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से मैंने ये कलर सिलेक्ट कर लिया और इसको भी ऐड कर देते हैं। ये जो लाइट ग्रे कलर है ये भी हमने ऐड करना है। अगर कोई ऐसा एरिया मिले जहाँ से ये अच्छी हालत में ऐड हो सके, Ctrl 0। अगर मुझे कोई ये वाला एरिया मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ले लेते हैं आप, क्योंकि इससे अच्छी हालत में मेरे पास नहीं है कलर, तो चले शुरू करते हैं, तो हम साथ साथ देखते जाएंगे। अच्छा, अब ये जो एक एक्स्ट्रा का बन गया था रेक्टेंगल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और हेडर को छोड़ के बाकी तमाम जो हमारे फोल्डर्स हैं इनको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। लॉक करने के लिए ये आपके पास लॉक का आइकन है, इसको क्लिक कर दें तो ये इस फोल्डर के अंदर जो कुछ होगा वो लॉक हो जाएगा और गलती से भी आप जो है वो उसे नहीं छेड़ सकेंगे जी। गाइड्स अगर आप ऑन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप। 960 ग्रिड है तो वो भी एक दफा हम यहाँ पर मैं एक 960 का बॉक्स बनाता हूँ। इसका जो साइज है विड्थ वो 960 रखता हूँ और इसको बिल्कुल सेंटर में करके इसकी जो यहाँ पर गाइड है वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ ताकि हमारी तमाम जो वेबसाइट है वो इसी के अंदर बने। अब मैं जूम कर दिया और इसको इस रेक्टेंगल को मैं डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ये हमारा हेडर से एक एक करके अब हम शुरू करेंगे और एक के बाद एक सेक्शन जो है वो डिजाइन करते चले जाएंगे। स्क्रीनशॉट को दोबारा सिलेक्ट किया और मैं इसे बिल्कुल ओपेसिटी इसकी 25 कर देता हूँ, बिल्कुल कम, ताकि ये हमें सिर्फ गाइड करता रहे। मजीद कम कर देता हूँ, 15 जो है वो मैंने इसकी ओपेसिटी कर दी है। और अब हेडर के इस जो फोल्डर है इसको सिलेक्ट किया और सबसे पहले मैं लोगो लगाता हूँ। तो लोगो लगाने के लिए फाइल में जाएं आप, इंपोर्ट प्लेस इमेज, और जहाँ पर वो लोगो है वहाँ से आप इंपोर्ट कर लें। आपका लोगो आ गया है इस फाइल में। हमने ये लोगो ये वाली दोनों अगर आप सिलेक्ट करें और यहाँ से सेंटर कर लें तो ये लोगो आपका, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर सकूं, मुझे नजर नहीं आ रहा जी, ये लोगो हमारा आ गया। Ctrl Z दोबारा से मैं लोगो को इंपोर्ट करता हूँ, कुछ गड़बड़ हो गई थी। ये लोगो, और ये लोगो किधर है जी, ये है लोगो। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप। अब मैं ये करता हूँ शिफ्ट प्रेस रखते हुए इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ये इतना है करीबन। दोनों को सिलेक्ट किया और सेंटर कर दिया। Ctrl Z किधर चला गया भाई, ये और ये दोनों सिलेक्ट की और सेंटर। और आप देखें ये मज़ीद छोटा करना होगा मुझे। लोगो सिलेक्ट किया यहाँ से और इसको मैं मज़ीद छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा। ये करीब करीब रेप्लिका होगा, मैं एग्जैक्ट जो है वो इसको रेप्लिका की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बुनियादी मकसद इस ट्यूटोरियल का ये है कि ग्रेविट डिज़ाइनर की जो मुख्तलिफ फीचर्स हैं उनको ट्राई किया जाए और देखा जाए कि ये कितना पावरफुल है।
चले जी, फॉन्ट लोगो हमने लगा लिया है। अब ये जो हमारी नेविगेशन बार है ये हम लगाते हैं, तो यहाँ पर ही मैं ये टेक्स्ट टूल टी से आप इसे कर सकते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक और फाइल। अगर मैं यहाँ पर ओपन कर लूँ जिसके अंदर मैंने सारा टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, और यहाँ से वो फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि वहां से हम कॉपी पेस्ट कर सकें। ये इसकी सेल्स कॉपी है, ये देखें जी, ये इसकी हम करते हैं कॉपी, और यहां पर हम कर देते हैं पेस्ट। फॉन्ट मैंने चेक कर लिए थे साइट से, दो फॉन्ट यूज हुए हैं इस वेबसाइट पर, एक हुआ है लाटो और दूसरा हुआ है जी ये जो है ये लाटो है, और दूसरा आरविया है, आरवो सॉरी, दोनों गूगल फॉन्ट हैं। और जो ग्रेविट डिजाइनर है इसके अंदर पहले से गूगल के सारे फॉन्ट मौजूद हैं, तो ये वाला फॉन्ट जो है ये लाटो है, तो हम जो है वो इसको नाम में दे देता हूँ इधर लेयर पैनल में मेन्यू या नेव बार, नेव, और लाटो फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं लाटो, और आप देखें कि गेट डब्ल्यू पी फॉर्म जो है वो, ये इसको स्क्रीनशॉट को भी लॉक कर देता हूं मैं, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है जी। गेट डब्ल्यू पी फॉर्म जो है ये बटन है, तो इसको हम अलहदा से बनाएंगे, इसको मैं कट कर लेता हूं। बाकी जो है वो हम यहां पर लगा देते हैं, साइज इसका थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हम कहते हैं ट्राइस 15, थोड़ा सा बड़ा 16 जी, ये एग्जैक्ट साइज है। और अब मैं ये करूँगा कि इसके अंदर स्पेसिंग टैब की मदद से, और यहाँ पर स्पेसिंग, आगे स्पेसिंग ऐड करते जाएंगे हम, कॉन्टेक्ट में स्पेसिंग ऐड कीजिए, और लॉगिन में स्पेसिंग ऐड कर रहे हैं आप, ये हमारी बन गई है जी नेव बार। ये जो हमारा रेक्टेंगल है, जो बेसिक रेक्टेंगल है उसको सिलेक्ट किया इस एरिया का, और नेव को सिलेक्ट किया और ये सेंटर कर दिया, तो ये थोड़ा सा जो है वो नीचे हो गया है, तो सेंटर में नहीं है एग्जैक्ट, हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको जी। ये वो जगह है जहां पर है इस वक्त ये। और अब हम बनाते हैं इसका कलर, कलर चेंज करना होगा यहाँ से, कलर स्वेचेस में से मेरा ख्याल है हम नहीं यूज करते, हम ऐसा करते हैं कलर में जाते हैं, और ये वाला कलर है यही हो रहा है यूज, ये हम यहाँ से कर लेते हैं पिक एंड यूज, या शायद ये कलर यूज हो रहा है। बहरहाल हम कलर जो है वो एंड में भी कर सकते हैं, इसको एग्जैक्ट मैच कर लेंगे हम साइड से देख के। फिलहाल हम इसको कॉपी करते चले जाते हैं, आगे एक बटन बनाना है हमने, तो उसके लिए रेक्टेंगल टूल, और यहां से मैं एक बटन बना लिया, और अब ये करना है कि इस बटन का जो कलर है वो मैं चाह रहा हूं कि एग्जैक्ट हो जाए, अगर तो अच्छा है, उसके लिए जरूरी है कि स्क्रीनशॉट की ओपेसिटी फुल हो। और अब इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, और यहाँ से ये बटन, अब कलर भी मुझे मेरे पास आ गया है, इन यूज में आ गया है ये, और अब आप देखेंगे कि स्क्रीनशॉट की रेजोल्यूशन दोबारा से मैं कम कर दी, लॉक कर दिया इसको। और ये जो बटन है ये अगर हम देखें तो इसके कॉर्नर हैं, कॉर्नर रेडियस है, तो वो अब हम ऐड करते हैं ग्रेविट डिजाइनर में। कॉर्नर ऐड करने के लिए ये आपके पास टूल है, इसका रेडियस 5 है आई थिंक जी, 5 है, और ये रेडियस इसका बन गया। अब हम इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करेंगे जो इसका है, टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं ये जो टेक्स्ट है इसी को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, कंट्रोल जी
इस लेयर को, और इसका जो है टेक्स्ट वो है गेट, जो भाई गेट डब्ल्यू पी फॉर्म, ये टेक्स्ट इस लेयर के ऊपर है गेट डब्ल्यू पी फॉर्म, और कलर जो है वो है इसका वाइट। यहां से हम वाइट कर देंगे, इन दोनों को सिलेक्ट किया और सेंटर कर लिया है एग्जैक्ट सेंटर, और इसे मूव कर लिया यहाँ पर। साइज थोड़ा सा इसका आप देख सकते हैं छोटा है, इस जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो बड़ा है साइज, तो 15 पिक्सल करके देखते हैं। दोबारा से इन दोनों को सिलेक्ट किया और सेंटर कर दिया मैंने। अब काफ़ी हद तक ये जो है वो उसके क्लोज चला गया है, तो कंट्रोल ज़ीरो में करता हूँ, और अभी आपको दिखाते हैं जो हमने, मैं स्क्रीनशॉट को ऑफ कर रहा हूँ, आप देखें कि हेडर जो सेक्शन है वो हमने तैयार कर लिया है इसका। तो अब चाहें तो आप इसको जो मुख्तलिफ आपने टेक्स्ट यूज़ किया है उसको उसका एग्जैक्ट नाम दे लें, बटन टेक्स्ट BTN टेक्स्ट, और ये जो रेक्टेंगल है ये बटन है BTN। अच्छा, अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा बटन टेक्स्ट और बटन को, और इनको एक ग्रुप बना दूंगा कंट्रोल जी शॉर्टकट की। अब देखें ये एक ग्रुप बन गया है, और इसका नाम रख देते हैं बटन। अब ये बटन मैंने देखा कि इस साइट पर एक से ज्यादा जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपको मैं स्क्रीन शॉट दिखाऊं तो ये देखें यहां पर भी ये बटन इस्तेमाल हो रहा है, यहां भी इस्तेमाल हो रहा है, ऑलमोस्ट करीब करीब ही है जो ये बटन है एक दूसरे के मिलते जुलते हैं। तो इसके लिए ऐसी तमाम चीज़ें जो बार बार इस्तेमाल हो रही हों, जैसे बटन्स हो गए, या फिर अगर आप एक मल्टी पेज साइट बना रहे हैं तो उसके अंदर हेडर और फुटर हो गए हैं, इनके लिए हम यूं करते हैं कि इनको एक सिंबल बना लेते हैं। ग्रेविट डिज़ाइनर के अंदर एक फीचर है सिंबल, वो तमाम डिज़ाइन के अज्जा जो आप बार बार डिज़ाइन में इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आप एक सिंबल बना लें, और ताकि अगर बाद में आप कोई चीज़ चेंज करें तो एक जगह चेंज करने से वो चीज़ मल्टीपल जगह पर चेंज हो जाए। माज़रत, मुझे पानी पीना होगा। तो जो स्क्रीन सिंबल है ये बनाने के लिए आप ग्रुप को सिलेक्ट करें, ये बटन का ग्रुप, इसको मैंने सिलेक्ट किया, और सिंबल में आके यहां पर क्लिक कर दें क्रिएट न्यू सिंबल, और इस सिंबल का नाम हम रखेंगे जी बटन BTN, और ओके कर दिया। तो ये हमारा एक सिंबल बन गया है, अब हम इसको मल्टीपल जगहों पर जहां से यूज कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि ये हमारी कितनी हेल्प करता है। लेयर पैनल में दोबारा से मैं आता हूं, और हेडर को अब हम कर देते हैं लॉक, ताकि अब ये जो है ये हमें अपनी जगह से हिले नहीं। और आगे आते हैं हीरो एरिया पर। हीरो एरिया पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ाता हूं। ये एक हेडलाइन इस्तेमाल हुई हुई है, उसके अंदर एक सब हेडिंग है, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ एक बटन है, और ये एक है टेक्स्ट नुमा हाइपरलिंक है, और फिर एक इस्तेमाल हुई है वीडियो, और ये वीडियो ओवरले है, एक इमेज है जो बनाया गया है और उसको वीडियो ओवरले के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो चले इसको बनाते हैं हम। ओपेसिटी में इसकी 25 कर देता हूं और लॉक कर देता हूं। हीरो एरिया को अनलॉक करते हैं और हीरो एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर अब हम काम करेंगे। यहां से मैं जो हेडिंग है वो कॉपी कर लेता हूं, ड्रैग एंड ड्रॉप वर्डप्रेस फॉर्म बिल्डर, हेडिंग और सब हेडिंग दोनों को कॉपी कर लेता हूं मैं, और यहां पर टेक्स्ट पेस्ट करेंगे हम। सब हेडिंग को मैं कंट्रोल एक्स से काट लेता हूं ताकि अलहदा अलहदा दोनों की ये हो जाए। और यहां पर जो फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है वो है आरवो,
और ये भी गूगल फॉन्ट है। इसका साइज हम बड़ा करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं 40x50, और ये जो है मैं चाह रहा हूं इसकी जो साइजिंग है वो विड्थ इसकी ऑटो हो जाए। आप देखिए इसकी विड्थ ऑटो हो गई है 40 अगर करें, और सेंटर में इसको करूं तो 40 से थोड़ा सा कम है, ये 36 आई थिंक। आप सेंटर करके देखते हैं 38, और अब मेरा ख्याल है ये हमने सही जो है वो उसका कर लिया है इंतखाब। ये देखिए हमने हेडिंग ऐड कर ली, इस हेडिंग का कलर भी ये हम यही रखेंगे। एंड पर कलर्स का जो है वो जो कलर हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त वो हम एंड पर ठीक कर लेंगे। अच्छा जी, इसकी जो हाइट है वो भी मैं ऑटो कर देता हूँ, और अब इसको हेडिंग का लेयर पैनल में कर देते हैं। आल्ट प्रेस रखते हुए, आल्ट और शिफ्ट प्रेस रखते हुए इस हेडिंग को मैं नीचे ड्रैग करता हूं तो ये कॉपी हो गई है। इसका नाम सब हेडिंग रख लेते हैं, सब हेडिंग। और अब मैं जो टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है उधर से उसको पेस्ट किया यहां पर। फॉन्ट ओपन सेंस हो गया है, यहां से लाटो हमने करना है फॉन्ट, और इसका साइज 20 नहीं बल्कि 24 आई थिंक, या फिर 22। जी एक्सैक्टली 22। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये हमारी होगी हेडिंग और सब हेडिंग। बटन दोबारा से बनाना है एक, तो ऐसा करता हूं मैं सिंबल्स में जाता हूं और यहां से बटन को ड्रैग कर लेते हैं, माफ कीजिएगा। यहां से ये देखें ये सिंबल को मैंने ड्रैग किया है, और अब मैं ये करूंगा कि इसको रीसाइज करूंगा, शिफ्ट प्रेस रखते हुए मैं रीसाइज कर सकता हूं। ये देखिए कंट्रोल जी, आपने इसके प्रोपोर्शन का ख्याल रखना है, शिफ्ट प्रेस रख के आप इसको ड्रैग करें, और इसके जो ये देखिए यहाँ पर ये बटन है, आप चाहें तो यहाँ से इस बटन की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम है पहले बटन की निस्बत, तो वो मैंने कम कर ली है। अब जो बटन का टेक्स्ट है वो भी यहाँ से चेंज कर लेते हैं, क्या टेक्स्ट है जी, यहाँ से अगर मैं इसको हटाऊं तो मैं देख सकूंगा बटन को, गेट WP फॉर्म्स नाउ, कंट्रोल जी गेट WP फॉर्म्स नाउ, और इसका साइज कम है पहले की निस्बत 10 और 12। जी ये ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया और ये सेंटर अलाइन कर लिया इनको प्रॉपरली। और अब हम बनाने जा रहे हैं ये वाला जो हमारी चीज है ये बनाएंगे, तो इसके लिए मैं ये करता हूं कि ये जो हमारी सब हेडिंग है इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट कर लिया और ड्रैग कर लिया नीचे, और इसको सिलेक्ट किया मैंने, सब हेडिंग को बटन के ऊपर ले आता हूं ताकि यहां पर लेयर पैनल में भी हमारी तरतीब जो है वो दुरुस्त रहे। वॉच वीडियो WTCH VIDEO वीडियो, और इसको मैं यहां से ड्रैग करके इधर ले आया, साइज छोटा करना होगा जाहिर है, वो तो 16 आई थिंक, नहीं ज्यादा है 18, जी 18 है इसका साइज, और थोड़ा सा ऊपर कर लिया मैंने। कलर इसका जो है वो है ये वाला ऑरेंज कलर, और ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब ये आइकन ऐड करना है, तो इसके लिए आप यूं करें कि किसी भी आइकन्स की साइट पर से आइकन्स जो हैं वो डाउनलोड कर लें और फिर यहाँ पर इंसर्ट कर लें SVG में। तो ये आइकन्स अगर मैं ऐसा करता हूँ कि अभी फिल वक्त
के लिए ये आइकन यहीं से ऐड करता हूँ, लाइब्रेरीज के अंदर से जाके देखता हूँ कि ग्रेविट डिजाइनर के अंदर ये प्ले का आइकन अगर मिल जाए मुझे तो। नहीं तो आप चाहें तो ये आइकन बड़ी आसानी से खुद भी ग्रेविट डिजाइनर में बना सकते हैं। इस वक्त मेरे पास इंटरनेट शायद स्लो है, तो ये आइकन हम खुद ही बनाते हैं प्ले ग्रेविट डिजाइनर की मदद से। यहां से आप एलिप्स टूल सिलेक्ट कर लें और शिफ्ट प्रेस रखते हुए ड्रैग करें ताकि एक सर्कल हमारे पास बन जाए। ये सर्कल हमारे पास बन गया और अब मैं यूं करूंगा कि इसका जो फिल है वो उसकी ओपेसिटी जीरो कर देते हैं क्योंकि इसका फिल नहीं है इस एलिप्स का, और जो इसका बॉर्डर है वो कर देते हैं 2, और इस बॉर्डर का जो कलर है वो ऑरेंज है। अब इसके अंदर एक प्ले का बटन है वो बनाने के लिए मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से 1, 2, तीसरी क्लिक और 4 क्लिक्स, और ये देखिए हमारे पास प्ले का जो बटन है वो भी बन गया है। इसका जो फिल है वो ऑरेंज है। अब आप देखें कि मैं इस पाथ को सिलेक्ट करता हूँ और इस एलिप्स को सिलेक्ट करता हूँ और इन दोनों को आपस में सेंटर में कर लेता हूँ। एग्जैक्टली सेंटर नहीं है ये, इस एलिप्स का जो बॉर्डर है वो 2 की बजाय 1.5 करते हैं हम। ये हमने इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दिया और इसका नाम रख लिया आइकन वॉच वीडियो। ये टेक्स्ट का जो नाम है वो वॉच वीडियो रख लिया मैंने, और अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इनको भी अलाइन कर लेता हूँ प्रॉपर। आप देखें कि ये आइकन्स सही से अलाइन नहीं हुआ था, अब ये दुरुस्त अलाइनमेंट इसकी हो गई है। और अब हम बनाते हैं ये लाइन, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट टूल भी यूज कर रहा हूँ। यहाँ से मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक, यहाँ पर हम ऐड करने जा रहे हैं इस लाइन को, डैश आप ऐड करते जाएं। देख लो अगर इसकी विड्थ और हाइट ऑटो हो जाए। अब टेक्स्ट हेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। आप चाहें तो प्रॉपर इसकी शेप भी बना सकते हैं लेकिन मैं इस वक्त ऐसे ही बनाने जा रहा हूँ। और ये हमारे पास बन गई है ऑलमोस्ट। हमने अब इसका कलर जो है वो चेंज करना है, यहाँ से इसको मैं सेंटर में कर लिया, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और इसका जो कलर है वो ऑरेंज कर देता हूँ मैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ डैश या लाइन का, और अगर आप चाहें तो इसको पाथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू पाथ कर दिया मैंने और आप देखें ये एक लाइन की पाथ बन गया है। अच्छा, अब इस आइकन को सिलेक्ट किया और इस लाइन को सिलेक्ट किया और इनको मैं कर देता हूँ कंट्रोल जी, सॉरी आइकन और वॉच वीडियो का जो टेक्स्ट है इसको भी मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ। इनको प्रॉपरली अलाइन करके कंट्रोल जी के जरिए एक ग्रुप बना लिया, इसका नाम रखा वॉच वीडियो। और इस लाइन को भी सिलेक्ट किया और इसको भी प्रॉपरली अलाइन कर लिया। और अब अगर कंट्रोल जीरो में करूँ और आपको दिखा सकूँ तो हम देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें हो गई हैं हमारी। अब सिर्फ ये इमेज लगानी है, तो ये इमेज भी मैंने सेव की हुई है साइट से ही, प्लेस इमेज फाइल में जाके इंपोर्ट प्लेस इमेज, और ये इमेज हमें कहाँ मिलेगी, होम वीडियो। और आप देखें कि ये जो है वो इमेज प्लेस हो गई है। साइज छोटा करना होगा मुझे इसका,
साइज छोटा कर लिया हमने, और इसको मैं ऊपर ले आता हूँ ड्रैग करके यहाँ पर। ये देखें, इसको थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर लेते हैं इधर से भी। और अब ये होम वीडियो, इसको मैं यहाँ से अलाइन कर देता हूँ सेंटर, और कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल ज़ीरो सॉरी, ताकि ये फुल विड्थ हो। स्क्रीन शॉट जो है इसको अनहाइड करते हैं, और आप देखें कि हमारा जो दूसरा सेक्शन है वो भी तैयार हो गया है। हेडर सेक्शन हमने बना लिया, हीरो एरिया जो है वो सेक्शन हमने तैयार कर लिया है। तो हीरो एरिया को लॉक करता हूँ, और अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगले सेक्शन पर जाने से पहले एक चीज़ जिसका मुझे पहले ख्याल करना चाहिए था, वो मैंने इस डॉक्यूमेंट को अभी तक सेव नहीं किया। तो आप जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन करें, किसी भी प्रोग्राम में अंदर डिज़ाइन करें, आप डॉक्यूमेंट को स्टार्ट में ही सेव करें। कंट्रोल एस शॉर्टकट की है ग्रेविट डिज़ाइनर के अंदर। आप अपने लोकल कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं, और चाहें तो अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है ग्रेविट डिज़ाइनर की साइट पर जाके, तो आप क्लाउड में भी मुफ्त में सेव कर सकते हैं। मैं फिलहाल वक्त इसे लोकल कंप्यूटर में ही सेव कर रहा हूँ डिज़ाइन के फोल्डर के अंदर लैंडिंग पेज के नाम से। सेव हो गया हमारा, सॉरी सेव हो रहा है, और अब ये सेव हो चुका है। तो जो हमारा तीसरा सेक्शन है, फीचर का सेक्शन है, जो उसकी तरफ अब हम चलते हैं। ये हीरो एरिया और हेडर को मैंने कर दिया है लॉक सॉरी हाइट, ताकि इनकी तरफ हमारा ध्यान ना पड़े और हम जो है वो तीसरा जो सेक्शन है उसके ऊपर काम कर सकें। फीचर सेक्शन अनलॉक कर दें यहाँ से इसको, और इसको ओपन कर लें। और ये देखें इस सेक्शन के अंदर क्या क्या है। ये एक हेडिंग है, सब हेडिंग है, और यहाँ पर मुख्तलिफ जो हैं वो इसके फीचर्स हैं आइकन के साथ। फीचर के हेडिंग है, और नीचे कुछ टेक्स्ट है, और फिर साइड पे आइकन्स हैं। ये दो रोज हैं आइकन्स की, और यहाँ पर नीचे मैं यही देख सकता हूँ कि ये जो बटन यहाँ पर था, यही बटन ऑलमोस्ट हम नीचे भी देख रहे हैं। तो ये बटन मैं हीरो एरिया से ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा। इस तरीके से आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे हम जो एक जगह पर कोई डिज़ाइन एसेट कर डिज़ाइन करते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। तो चलें सबसे पहले टेक्स्ट टूल को पकड़ें, और यहाँ से हेडिंग को मैंने ग्रैब किया, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। फाइनली वर्डप्रेस फॉर्म्स प्लगइन्स, दैट्स इजी एंड पावरफुल। और ये पूरा टेक्स्ट मैंने कॉपी कर लिया है, पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से ऑटो कर दिया। और अब मैं ये करता हूँ कि ये जो सब हेडिंग है इसको कट कर लेता हूँ जी। ये इसका आरवो है, आरवो यूज हो रहा है आरवो, और इसका साइज 24 आई थिंक 25 26। इसकी जो विड्थ है वो ऑटो कर देते हैं, और सेंटर में करता हूँ। तो ये देखें ये सही फिट बैठ गया है। आल्ट और ड्रैग के जरिए इसे, आल्ट शिफ्ट के जरिए नीचे ड्रॉप कर दिया। यहाँ से आप सही कर लें प्रॉपर हेडिंग, ये हमारी सब हेडिंग, सब हेडिंग को सिलेक्ट किया और कंट्रोल वी सॉरी कंट्रोल जी मैं करता हूँ, कंट्रोल जी दोबारा से। टेक्स्ट में शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और ये जो टेक्स्ट है इस पर लाटो यूज हो रही है, लाटो फॉन्ट। और अगर मैं देख सकूँ तो ये इसका साइज काफी कम है, 16।
ये जो एरिया है इसको हम यहां तक ले आता हूं मैं। और अब आप देखें कि इसको हम करेंगे सेंटर, थोड़ा सा साइज जो है वो बड़ा करते हैं 18। मैं इसको हाइड करूं, अगर फॉर्म्स 18 से भी ज्यादा है, शायद 19 यूज किया है इन्होंने, नहीं 18 ही। ये मुख्तलिफ चीजें आपने ट्राई करनी होती हैं एक्चुअल डिजाइन में भी, ताकि देखें कि कौन सी चीज है जो सही से काम कर रही है और कहाँ पर आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। सेंटर कर देते हैं इसको, टेक्स्ट को, और यहाँ से अलाइनमेंट भी सेंटर। गड़बड़ चल रही है, ये वाला जो हमारा रेक्टेंगल था ये अपनी जगह से हटा हुआ है। तो हेडिंग, सब हेडिंग सबको सेंटर में कर लिया। अब आप देखें, आप चाहें तो इस रेक्टेंगल को भी लॉक कर सकते हैं, इंडिविजुअल आइटम्स को भी लॉक किया जा सकता है। सब हेडिंग को मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, और ये हमारा ऑलमोस्ट ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं ये करता हूं कि इस हेडिंग और सब हेडिंग को कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया मैंने। कंट्रोल एस से सेव भी कर लेते हैं अपने काम को, ताकि अगर किसी वजह से ग्रेविट जो है वो अचानक से बंद हो जाए तो हमारा काम जो है वो महफूज रहे। अब ये जो कॉपी और पेस्ट किया है इसको मैं नीचे लेके आता हूं, और एक यहां पर भी देखें, क्योंकि इधर ऊपर आरवो हेडिंग के लिए यूज हुआ है, सब हेडिंग के लिए लाटो यूज हुआ है, नीचे भी यही सूरत हाल है। आरवो इस्तेमाल हो रहा है हेडिंग के लिए और लाटो जो है वो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिए। तो एक मैं बनाता हूं और फिर बाकी जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं कैसे बनाएंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे हम यहां पर। ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर, और ये इसकी डिस्क्रिप्शन, इसका साइज काफी कम है, यहां पर लाके मैं सॉरी ये इसका फॉन्ट साइज जो है वो 12 आई थिंक। थर्टीन, फोर्टीन, और ये अब अगर मैं इसको देखूं तो ये इसका 14 ही है। थोड़ा सा जो अब हम ये करेंगे कि इसकी जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी बढ़ाएंगे, 1 बहुत ज्यादा है शायद, 0.5 स्पेसिंग। और अब ये ठीक है, कैरेक्टर स्पेसिंग 0.5 इस्तेमाल हुई है, और लाइन हाइट जो है वो 125% आई थिंक सो, या फिर ये इस्तेमाल हुई है जी 130%। और ये जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट अलाइन है जी, आप देखें काफी हम उसके क्लोज चले गए हैं। 0.5 जो है वो कैरेक्टर स्पेसिंग मैंने यूज की है, इस वेबसाइट पर भी यही इस्तेमाल हुई है, और 130% जो है वो लाइन हाइट जो है वो इस्तेमाल हुई है जी। अब ये जो हेडिंग है ये अपनी जगह पर लेके आते हैं, 13, 14 पिक्स इसका साइज है, तो ये जो है ये शायद 16 हो, 20, 18,
مختلف چیزیں ٹرائی کرنی پڑتی ہیں. اسپیسنگ اس کے اندر ہم نے 0.5 یوز کی تھی, یہاں بھی 0.5, اور یہ دیکھیں ایگزیکٹلی جو ہے وہ اس کے اوپر جا کے بیٹھا ہے جی. یہ اور یہ اس کی ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ ہوگی. سوری, اس کو میں نام دیتا ہوں یہ فیچر ہیڈنگ کا, اور یہ فیچر سب ہیڈنگ. سب ہیڈنگ اب یہ کرتے ہیں کہ یہ جو آئیکن ہے یہ بھی میں نے سیو کیا ہوا ہے, اس کو میں لے کے آتا ہوں امپورٹ پلیس امیج اور آئیکن ون. آئیکن کہاں پر گیا ہمارا, چیک کرنا پڑے گا. یہ سینٹر میں بالکل لے کے آتا ہے ڈاکومنٹ کے. آئیکن کا سائز چھوٹا کر لیں. شفٹ پریس رکھتے ہوئے میں ڈریگ کر رہا ہوں اور یہ آئیکن کا سائز ہے ایگزیکٹلی. آپ دیکھ لیں مزید زوم کر کے. تھوڑا سا مزید بڑا ویڈتھ اس کی 90 کرتے ہیں. یہاں سے بھی آپ امیجز کے سائز جو ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں. 90 ویڈتھ ہے اس کی اور ہائٹ خود بخود ہمارے پاس 82 آ گئی ہے. اب دیکھیں ایک فیچر جو ہے وہ بن گیا ہے. اب میں یہ کر رہا ہوں کہ آئیکن فیچر سب ہیڈنگ اور فیچر ہیڈنگ ان کو سلیکٹ کرتے ہوئے میں کنٹرول جی پریس کر رہا ہوں تو یہ ایک گروپ بن گیا ہے. اب اس گروپ کا نام میں رکھتا ہوں فیچر ون. اور اب ہم جلدی جلدی کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں اسی فیچر کو. آلٹ اور شفٹ پریس رکھتے ہوئے اس پورے فولڈر کو, اس پورے گروپ کو سلیکٹ کرنا ہے آپ نے, اور آلٹ شفٹ پریس رکھتے ہوئے ڈرائگ کرتے جائیں. ایک دفعہ ڈرائگ کیا میں نے, دوبارہ سے دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, اور یہ چوتھی دفعہ. اور اب اس سارے فیچرز کو, پانچوں کے پانچوں فیچر کو میں نے سلیکٹ کیا اور آلٹ, بلکہ ایسا کرتا ہوں کہ پہلے میں ان کی ترتیب جو ہے وہ درست کر لیتا ہوں تاکہ پھر یہ ادھر سے ہمیں اس کی ترتیب درست نہ کرنی پڑے. تھوڑا سا اوپر یہ ہونا چاہیے, یہاں پر یہ والا جو ہے گروپ یہ ہونے چاہیے یہاں پر, اور یہ گروپ ہونا چاہیے یہاں پر. اس گروپ کی جو الائنمنٹ ہے وہ ادھر ہونی چاہیے, اور یہ پہلا تو ٹھیک تھا. اب ان پانچوں جو فیچرز کے گروپ ہیں ان کو میں سلیکٹ کیا ہے, اور اب میں یہ کر رہا ہوں کہ آلٹ اور شفٹ پریس رکھتے ہوئے ادھر ڈریگ کر لیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ پانچوں کے پانچوں ادھر بھی آ گئے ہیں. اب اگر میں سکرین شاٹ کو ہائیڈ کروں تو یہ ہمارے پاس لے آؤٹ جو ہے اس سیکشن کی بن گئی ہے, اچھی خاصی بن گئی ہے. اب صرف کیا کرنا ہے, آپ نے آئیکنز چینج کرنے ہیں اور جو ٹیکسٹ ہے وہ چینج کرنا ہے. صرف ایک آئیکن میں آپ کو جلدی سے چینج کر کے دکھاتا ہوں. یہ والا آئیکن فرض کریں یہ چینج کرنا ہے, تو اس کو میں سلیکٹ کیا, یہاں سے امیج میں گیا, یہ آئیکن کو سلیکٹ کیا اور ریپلیس پر کلک کر دوں گا, اور یہاں سے اس کا جو آئیکن ہے وہ آئیکن 2 کر دیا. دیکھیں آئیکن جو ہے وہ آپ کا ریپلیس ہو گیا ہے. آئیکن 1 کی جگہ جو ہے وہ نیا آئیکن, آئیکن 2 جو ہے وہ یہاں پر آ گیا ہے. تو اس طریقے سے اب میں ساری جو ہیڈنگ کا ٹیکسٹ ہے اور جو آئیکنز ہیں وہ میں ریپلیس کر لیتا ہوں, اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے آپ کو آگے ویڈیو چلا کے دکھاتا ہوں. دوبارہ سے ویڈیو میں خوش آمدید. آپ دیکھیں گے کہ تمام جو آئیکنز تھے وہ میں نے تبدیل کر لیے ہیں, ٹیکسٹ جو ہے وہ میں نے چینج کر دیا ہے. ایک کام اور میں نے یہ کیا ہے کہ جتنے بھی آئیکنز تھے ان کو اس جو نمبرنگ تھی وہ کر دی تھی میں نے چینج. پہلے فیچر 1 تھے سارے, اب فیچر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 سارے فیچر ہو گئے ہیں. اور اب میں یہ کرنے جا رہا ہوں ایک کام اور, یہاں سے ایک اور نیو لیئر ہم بنائیں گے
और इस लेयर को मैं इस लेयर फीचर सेक्शन के अंदर ले आता हूँ और यहाँ पर इसका नाम रखते हैं फीचर्स। और ये जितने भी फीचर्स हैं ना, ये इस लेयर के अंदर मैं रखता हूँ। इससे ये होता है कि आपका जो आपका कह लें कि लेयर पैनल है वो बड़ा क्लीन रहता है और सारा काम जो है वो मैनेज होके रहता है। ये देखें, सारे फीचर जो हैं इस फीचर सेक्शन के अंदर आ गए। अब अगर मैं आपको दिखा सकूं, हमारा अब तक जो पेज मुकम्मल हुआ है, स्क्रीनशॉट मैंने नहीं ऑन किया हुआ, और ये देखें, ये हमने अभी तक बनाया है हेडर और ये हीरो एरिया, और ये फीचर सेक्शन काफी हद तक जो है वो बन गया है हमारा। आगे शुरू करते हैं जी काम। स्क्रीनशॉट को अगर मैं ऑन करूं तो मैं देख सकते हैं आप यहाँ पर कि एक फॉर्म्स और सी ऑल फीचर्स, तो ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि हम यहाँ पर एक फॉर्म और एक जो वॉच वीडियो है वो कर चुके हैं। तो मैं यूं कर रहा हूं अब कि ये हमारा हीरो एरिया था, ये लाइन और वॉच वीडियो, ये हमने ग्रुप नहीं किया था, हमें चाहिए वॉच वीडियो और ये बटन। तो इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया कंट्रोल सी, और मैं ये कर रहा हूं कि फीचर सेक्शन में आके यहां पर मैं कंट्रोल वी करूंगा और ये पेस्ट होगी इधर ही। ये इनको मैं फीचर सेक्शन के अंदर में ले आया और इनको मैं ड्रैग करके नीचे ले आऊंगा यहाँ पर, और अब हम इनमें कर लेते हैं अपनी मर्जी की तब्दीलियां। ये जो बटन है ये छोटा है, तो शिफ्ट प्रेस रखते हुए इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, और अगर अब हम इसे नीचे लेके आए तो इसकी जो हाइट है वो भी ज्यादा है। इस बटन के अंदर जो बटन का आपने बॉक्स बनाया था इसको सिलेक्ट करें और इसको छोटा कर लें। टेक्स्ट का साइज जो है वो भी छोटा 12 है, यहाँ पर 10 कर देते हैं, और बॉक्स और बटन को सिलेक्ट रखते हुए इन दोनों को मैं कर लेता हूँ सेंटर में, और ये वॉच वीडियो इसके अंदर से आइकन को डिलीट कर देते हैं, और हमें लाइन भी चाहिए लेकिन अभी फिलहाल मैं लिखता हूँ यहाँ पर सी ऑल फीचर्स FEAATURES फीचर्स, और इसको मैं ले आता हूं यहां पर जी। और अब हमें चाहिए लाइन, वो भी मैं हीरो एरिया से कॉपी करूंगा ये लाइन, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस लाइन को ड्रैग कर लिया यहां पर, इस लाइन को अब ऊपर से नीचे लेके आना है मुझे शिफ्ट, और ये देखिए नीचे आ रही है, शिफ्ट और डाउन एरो की मदद से मैं नीचे लेके आया इसे। अभी हम इसको जूम करके देखते हैं, यहाँ पर इस आइकन में थोड़ा सा हमें मसला मुझे नजर आ गया, तो अब मैं पहले इसको भी दुरुस्त कर दूं, आइकन को थोड़ा सा इधर करना है, हो गया जी, कंट्रोल एस कर दिया, सेव, काफी डॉक्यूमेंट बड़ा हो रहा है, जो जो ये सेव करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप डिज़ाइन करते हुए काम को साथ साथ महफूज करते रहें जी। सेव हो गया हमारा काम, तो ये जो लाइन है इसको मैं अगर सिलेक्ट कर लूं और इसको अब हम ऊपर ले आते हैं, इसका कलर जो है फिल कलर वो चेंज कर देता हूं, ये वाला कलर फिलहाल, और आपका जो सियाल फीचर टेक्स्ट है यहाँ पर ये इस ग्रुप को भी डिलीट कर देते हैं, वॉच वीडियो का ग्रुप हा का बना हुआ है, ये सी ऑल फीचर, और इसका जो कलर है वो भी यही है। अब मैं ये करता हूँ कि सी ऑल फीचर और इस लाइन को दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, और इनको यहाँ से मैंने कर लिया है सेंटर में अलाइनमेंट, इनकी सेंटर कर दी है। तो अब
इस एरिया को करते हैं क्लोज। ये भी हमारा एरिया जो है ये भी बन गया है। स्क्रीनशॉट को मैं हाइड करता हूँ, कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करते हैं और अभी देखें कि अभी हमने काफ़ी पेज जो है वो डिज़ाइन कर लिया है। फीचर सेक्शन भी हमारा मुकम्मल हो गया। तो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट को दोबारा ऑन करता हूँ और जो हमारा टेस्टिमोनियल का सेक्शन है इसको डिज़ाइन करते हैं। टेस्टिमोनियल में मैं आ जाता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अनलॉक करके सिलेक्ट कर लिया। रेक्टेंगल को मैं लॉक कर देता हूँ और सबसे पहले ये टेक्स्ट ऐड करते हैं यहाँ पर। टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, फीचर अलहदा में करूँगा और जो जिस बंदे ने ये हमें दिया है टेस्टिमोनियल उसका नाम अलहदा से होगा। और इसका साइज़ जो है वो 18 है आई थिंक, और इसका 18 से भी कम है सिगला, लेकिन यूज और जी यही साइज है इसका। जो इसकी लाइन हाइट है वो हमने ऊपर यूज की थी 130, यहाँ भी 130 है और ये ठीक हो गया। अब हम जो इस बंदे का नाम है जिसने ये फीचर दिया था उसका नाम लिखेंगे नीचे, इस फीचर को कॉपी कर लें, यहाँ से हाइट ऑटो कर दें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको नीचे में ले आया हूँ। दोबारा से कॉपी में कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसकी जो विड्थ है वो भी ऑटो कर देता हूँ मैं, साइज इसका 14 है आई थिंक, और इस बंदे का जो नाम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस बंदे का जो नाम है वो बोल्ड है तो मैं इसका जो नाम है बिल एरिक्सन ये सिलेक्ट करूँगा और इसका जो यहाँ से वेट जो है वो बोल्ड कर देते हैं। अब साइज मजीद थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 13 आई थिंक जी 13, और स्पेसिंग 0.5, 12 साइज और स्पेसिंग 0.5 दुरुस्त है जी। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और अलाइनमेंट इनकी दुरुस्त कर लेते हैं। ये इनकी अलाइनमेंट दुरुस्त होगी और अब ये इस बंदे का ये जो इसको मैं नाम देता हूँ नेम, लेयर पैनल में लेयर्स को साथ साथ रीनेम करता रहा करें, ये एक अच्छी आदत है। ये इमेज जिस बंदे ने ये टेस्टिमोनियल दिया है उसकी इमेज ऐड करते हैं, ये हमारे पास मौजूद है। इसको मैं यहाँ ले आए और आप देखें कि ये जो इमेज है ये सर्कल के अंदर है, जबकि हमारे पास ये जो इमेज है ये रेक्टेंगल शेप में है। तो ये बड़ा आसान है, आप यहाँ पर एक सर्कल बना लें इसी साइज का, इसको ये करीबन यही साइज है जी, और इस इमेज को इस सर्कल के अंदर आपने ला के छोड़ देना है। अब इस इमेज को आप जो है वो सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको मूव करके इधर अंदर ले आए, इसका साइज छोटा करें ताकि मुकम्मल इमेज जो है वो नज़र आ सके। क्लिपिंग जिसे हम कहते हैं फोटोशॉप के अंदर, ये वही फीचर है। ऊपर आपको इसका एक बटन भी मिल जाएगा और अभी इन दोनों को सिलेक्ट रखते हुए मैं सेंटर अलाइनमेंट कर दूं अगर इसकी, तो ये देखें
ये हमारे पास ये बन गई है तस्वीर जो है इसकी, वो सर्कल के अंदर आ गई है। इसका नाम मैं रख देता हूँ पिक, नेम टेस्टिमोनियल, और इन तीनों को सिलेक्ट करके आपने ये करना है कंट्रोल जी प्रेस करना है और इसका नाम रख देना है टेस्टिमोनियल। दो तरह के ग्रुप्स हैं, एक क्लियर ग्रुप्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर और एक नॉर्मल ग्रुप्स हैं। दोनों आप अपनी सहूलत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन डॉट्स बनाने हैं जो कि निशानी है कि और भी जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो बड़ा आसान है ये बनाने, आपने कंट्रोल जी यहाँ से एलिप्स टूल पकड़ना है, शिफ्ट प्रेस रखते हुए ड्रैग करना है और ये हमारा जो है वो बन गया है एलिप्स। और ये एक जो है इसका कलर हम रखेंगे डार्क, अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ से इसका कलर, ये डार्क है। और अब इसी को सिलेक्ट रखते हुए दूसरा और तीसरा, और ये जो दोनों हैं इनका कलर लाइट है। स्वेचेस के अंदर जाके ये वाला लाइट कर देते हैं और अब इन तीनों को सिलेक्ट रखते हुए मैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ ताकि ये तीनों जो हैं वो बराबर फासले पर हो जाएं। और कंट्रोल ज़ीरो, आप देखें कि ये भी काम हमारा जो है वो हो गया है। ये सेक्शन भी हमारा टेस्टिमोनियल का जो सेक्शन है वो भी तैयार है। सेव कर लेते हैं इस काम को और स्क्रीनशॉट को ऑफ करके मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी तक हमने जो डिज़ाइन किया है वो कैसा नज़र आ रहा है। काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल हो गया है लेकिन क्या करें, काम ऐसे ही होता है। इसको लॉक करता हूँ, स्क्रीनशॉट को हाइड कर देता हूँ और आप देखें हम काफ़ी क्लोज और अच्छा रेप्लिका जो है वो बनाने में कामयाब हो रहे हैं ग्रेविटी डिज़ाइनर की मदद से। इसके मुख्तलिफ टूल्स देखेंगे आप कितना पावरफुल ये चीज़ है। आगे चलते हैं सर, अगला सेक्शन डिज़ाइन करते हैं। टेस्टिमोनियल को मैं लॉक कर दिया है, स्क्रीनशॉट को हाइड करता हूँ। तो इस सेक्शन के अंदर भी देखें, एक हेडिंग है, सब हेडिंग है और फिर इमेज, और एक साइड पर हेडिंग सब हेडिंग, और ये फिर बाकी जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। तो मैं ये यहाँ से ऊपर से कॉपी करूँगा इधर से ये वाली चीज़ और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और फिर इसके बाद ये वाला चीज़ जो है वो एक डिज़ाइन करूँगा और फिर बाकी आपको नहीं दिखाएंगे। आगे वीडियो को मैं तेज़ी से आगे चलाऊँगा। तो फीचर सेक्शन में अगर हम आए, ये फीचर सेक्शन, और इसको अनलॉक करके यहाँ से मैं हेडिंग और सब हेडिंग कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी, और ये रीजन सेक्शन को अनलॉक करके इसके ऊपर मैं पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल वी, शिफ्ट और डाउन एरो की मदद से इसको मैं नीचे ले आया हूँ। ये देखें यहाँ नीचे में ले आया और अब हम ये करेंगे कि फीचर सेक्शन को लॉक कर दें। लॉक करते रहा करें साथ साथ ताकि आपका जो पहले से काम है वो ज़ाया ना हो, इधर उधर हिल ना जाए। सॉरी कंट्रोल जी, और टॉप फोर रीजन हेडिंग को कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और सब हेडिंग को अब कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर दिया और अब अलाइनमेंट इसकी देख लें, साइज देख लें, साइज 26 की बजाय 32 करें, सेंटर अलाइन करें, 30 आई थिंक इसका साइज है, 30 जी 30 साइज है। और ये जो है आई थिंक ये साइज हमारा ठीक है जी, बिल्कुल ठीक साइज है।
हेडिंग और सब हेडिंग जो है वो हमारी बन गई है। अब ये वाला जो सेक्शन है ये बनाना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसी हेडिंग और सब हेडिंग को कॉपी करें और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें, ड्रैग करके यहाँ ले आए। और अब मैं ये करता हूँ कि इन दोनों को कंट्रोल जी, ये रेक्टेंगल हमने मूव कर लिया था इसको मैं लॉक कर देता हूँ। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस रखते हुए इनको काफ़ी जो है वो छोटा कर लिया है। और थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेते हैं। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बिल्ड ऑनलाइन फॉर्म्स इन मिनट नॉट इन आवर्स, पेस्ट कर दिया यहाँ से। और जो साइज है इसका फॉन्ट साइज वो 30 है, ठीक है। ये अगर 32 करूँ काफ़ी बड़ा हो जाता है, 30 ही इसका साइज है। स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी आई थिंक। और अगर मैं इसके नीचे देख सकूं तो इसकी स्पेसिंग में कहीं मसला है। साइज आई थिंक बड़ा है थोड़ा सा, या कैरेक्टर स्पेसिंग 0.5 करके देखते हैं हम। 1 0.5 ही है। और साइज हम करते हैं इसका 26, स्पेसिंग आप करते हैं 1, 2। इस तरह के जब रिप्लिका डिजाइन कर रहे होते हैं तो आप जाके एक्चुअल साइट पर भी देख सकते हैं इसका एग्जैक्ट जो साइज है 30। और ये मेरा ख्याल है अब हम जी काफ़ी क्लोज हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो इसको एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। क्लोज तरीन रिप्लिका हम बनाने की कोशिश करेंगे, एग्जैक्ट नहीं बनाएंगे। कैरेक्टर स्पेसिंग 1 कर देता हूँ और ये काफ़ी हद तक जो है वो दुरुस्त है हमारा जी। चलें आगे चलते हैं। ओ सॉरी, ये मसला समझ आ गया, ये 2 लाइंस में है, हम 1 लाइंस में करने की कोशिश कर रहे हैं। 32 और ये आप देखें अब साइज दुरुस्त हो गया है। 1 लाइन में मैं करने की कोशिश कर रहा था जिसकी वजह से ये एग्जैक्ट साइज नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब जो है वो दुरुस्त हो गया है। 34 जी, 34 है इसका साइज। और जो कैरेक्टर स्पेसिंग है वो 1 है। आगे हमारा जो इसके नीचे टेक्स्ट है वो कॉपी में कर लेता हूँ। बिल्डिंग फॉर्म्स इन वर्ड प्रेस कैन बी हार्ड, WP फॉर्म मेड इट इजी, ये वाला टेक्स्ट है जी सारा। ये कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। साइज इसका छोटा करते हैं और ये 34 है तो ये लाजमन 26 होगा। और ये है भी अलाइनमेंट इसकी, राइट अलाइनमेंट है जी, ये दुरुस्त हो गया। सिर्फ आपने ये करना है कि यहाँ पर इसको अलहदा से एक पैराग्राफ की शक्ल दे दें, इसका जो 130 कर दें लाइन स्पेसिंग,
130 लाइन स्पेसिंग की अपनी साइट में यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर जो टेक्स्ट कंट्रोल जी और यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करेंगे। हंड्रेड परसेंट लाइन हाइट, अगर इसकी 100% है तो इस पर भी लाजमन 100% हुई होगी, दोनों पर आप एक जितनी ही रखें। अगर यहां पर 115 ट्राई करें, जी 115 है, इधर भी 115 कर देते हैं। और अब हमारा ये एरिया भी ऑलमोस्ट बन गया है, सिर्फ हमने ये इमेज लगानी है साइट पर। तो इंपोर्ट प्लेस इमेज, अगर इमेज मुझे मिल जाए, ये वाली इमेज है आई थिंक, साइज शिफ्ट प्रेस रखते हुए छोटा कर लिया मैंने। इन तीनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी, ये एक ग्रुप बना लिया मैंने। अलाइनमेंट का आपने ख्याल रखना है, इसको अलाइनेंस के साथ करके इसको इसके साथ अलाइन कर लिया और ये दोनों एक ग्रुप बन गया। अब ये तीनों सिलेक्ट किए, अब ये जो टेक्स्ट है इसका एक ग्रुप बना लें, इसको नाम दे दें टेक्स्ट, txt टेक्स्ट, और ये इमेज होगी, और इनको अलाइन सेंटर कर दिया। आप अगर मैं स्क्रीनशॉट ऑफ करूं तो ये देखें, पहला जो इस सेक्शन का पहला बड़ा फीचर है वो हमने बना लिया है। तो अब जो बाकी फीचर्स हैं वो मैं एक एक करके ऐसे ही, जैसे हमने ऊपर एक सेक्शन में किया था, डुप्लीकेट किए थे और इमेजेस और टेक्स्ट रिप्लेस कर दिया था, वैसे ही यहाँ पर भी करूँगा और ये सेक्शन में जल्दी से मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। दोबारा से वीडियो में खुश आमदेद, ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने ये चार फीचर्स इसके बनाए हैं और फिर ये किया है कि एक लेयर ग्रुप बना के उसके अंदर फीचर्स का नाम दिया उसे, और उसके अंदर इन चारों ग्रुप्स को रख दिया है। और अब मैं इसे भी लॉक कर देता हूँ रीजन सेक्शन को, और ये देखें अभी तक जो हमने काम किया है, बहुत खूबसूरत ये वेबसाइट थी उनकी जिसका हम रेप्लिका बना रहे हैं, और बड़ा अच्छा रेप्लिका ग्रेविट डिज़ाइनर के अंदर जो है वो बन रहा है। कंट्रोल ज़ीरो और ये इसकी 100% फॉर्म। चलें जी आगे चलते हैं और यहाँ पर आते हैं, और मैं ऑन करता हूँ स्क्रीनशॉट को। कॉल टू एक्शन सेक्शन है और ये सेक्शन दो जगह पर इस्तेमाल हुआ है, वही टेक्स्ट वही बटन यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है और नीचे भी इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर मैं बना के साथ ही कॉपी करके इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगा ताकि फिर हमें वहाँ पर दोबारा ना बनाना पड़े। बड़ा सिंपल सा है जी, दो फॉन्ट टोटल इस्तेमाल हुए हैं, देखें कितने कम फॉन्ट और कलर इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने कितना प्यारा पेज जो है वो डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर एक प्रो टिप यही है मेरे लिए आपके लिए कि कम से कम फॉन्ट और कम से कम कलर जो है वो डिज़ाइन में इस्तेमाल करें। यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया और स्टार्ट बिल्डिंग स्मार्ट वर्डप्रेस फॉर्म्स कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसका जो कलर है वो प्योर वाइट है क्योंकि डार्क पर है ये, और जो फॉन्ट है वो आर्गो है हेडिंग के लिए, ये मैंने लगा लिया जी। और इसकी जो विड्थ है वो ऑटो कर देते हैं, साइज इसका करते हैं 22 आई थिंक 24, और ये ओके है जी।
24 के साथ इसी कोड ड्रैग करके मैं नीचे ले आया आर्ट प्रेस रखते हुए, और ये वाला जो टेक्स्ट है ये इधर पेस्ट कर देते हैं। इसको 16 फॉन्ट जो है वो हम करते जा रहे हैं, सॉरी ये सारे को सिलेक्ट करें और साइज रखें 16। फॉन्ट जो है वो है लाटो, लाटो फॉन्ट जो है वो हमने कर लिया है। ये टेक्स्ट सेंटर अलाइन है यहाँ पर, इसको मैंने अलाइनमेंट इसकी दुरुस्त की, और इसकी जो हाइट है वो भी मैं ऑटो कर देता हूँ। जी ये बन गया, और अब हम जल्दी से अपनी शेप्स को इस्तेमाल करते हुए, ये हेडिंग और सब हेडिंग होगी, ये हेडिंग होगी, आप नाम चेंज कर दें इसका, और ये होगी सब हेडिंग। सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपना जो है वो बटन ऐड किया है, किसी वजह से यहाँ पर प्रीव्यू इसका नहीं शो हो रहा, इसकी आप परवाह ना करें। और यहाँ पर ये जो बटन है इसका नाम भी है गेट डब्ल्यू पी फॉर्म्स नाउ, सिर्फ साइज में ये बड़ा है, ये इसका साइज है ऑलमोस्ट, इसकी जो हाइट है वो कम है तो वो मैं ये कम कर लिया। बटन टेक्स्ट और बटन को सिलेक्ट रखते हुए अलाइन सेंटर कर दिया इसे मैंने, थोड़ा सा शायद अभी हमें मजीद बड़ा करना पड़े, ये रेक्टेंगल लॉक कर देता हूं मैं ताकि ये ना हिले नीचे से। और यहां से इसका जो टेक्स्ट है इसका साइज जी गेट डब्ल्यू पी फॉर्म्स नाउ, और साइज इस साइज का हमने बटन वैसे ऊपर बनाया था किस सेक्शन में, अगर मैं देख सकूं, अब मुझे अलाउ करें ये स्क्रीनशॉट हाइड करते हैं, ये वाला बटन है, ये सेक्शन कौन सा है हमारा, फीचर का सेक्शन है, इसको अनलॉक करता हूं यहाँ से, ये बटन कॉपी कंट्रोल सी से, फीचर सेक्शन को लॉक किया, लॉक कर दिया, और ये बटन डिलीट करके मैं यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट किया, और शिफ्ट के ज़रिए मैं इसे नीचे ले आता हूँ। ये हम ले आते हैं यहाँ पर हमारा साइज़ जो है ताकि वो वही रहे। अच्छा इस रेक्टेंगल को अनलॉक किया इसको, और बटन को सिलेक्ट करके अलाइन सेंटर कर दिया मैंने, यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं और बटन को इसके मुताबिक अलाइन कर देते हैं। जी हमारा बटन बन गया है, और अब कॉल टू एक्शन सेक्शन हमारा ऑलमोस्ट एक काम कर लें, इन दोनों को ग्रुप बना लें बेशक हेडिंग और सब हेडिंग का, इनको आप अगर मैं ये ऑन कर सकूं, ये दुरुस्त है ऑलमोस्ट, ये टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप इसका टेक्स्ट बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर लें 12 कंट्रोल जी। एक काम करते हैं रेगुलर की बजाय बोल्ड कर देता हूं मैं, तो अब ये ऑलमोस्ट वैसा ही हो गया है, स्पेसिंग 0.5 कर देते हैं जी, अब ये दुरुस्त है। बटन टेक्स्ट
सिलेक्ट किया और इसे प्रॉपर अलाइनमेंट कर ली इसकी। चले जी, यहाँ से ये सारा कुछ कॉपी किया मैंने, बॉक्स को छोड़ देना है कंट्रोल सी, और क्योंकि बॉक्स हमने पहले ही बना रखा है, अगर ना बनाया होता तो उसे भी कर लेते कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, और शिफ्ट प्रेस रखते हुए शिफ्ट और डाउन एरो की मदद से मैं उसको जो सारा कुछ है उसको नीचे ले आया। ये देखिए हमारे दो सेक्शंस जो हैं कॉल टू एक्शन सेक्शंस वो मुकम्मल हो गए हैं। आप चाहें तो इसकी मज़ीद अलाइनमेंट कर लें, प्रॉपर अलाइन कर लें, और इस सेक्शन को भी प्रॉपर अलाइन कर लें आप, इस सब का ग्रुप बनाएं और इस रेक्टेंगल और ग्रुप को सिलेक्ट रखते हुए सेंटर अलाइन कर लें। कॉल टू एक्शन सेक्शन हमारे दोनों मुकम्मल हो गए हैं। ब्लॉग के सेक्शन पर जल्दी से आ जाते हैं। कॉल टू एक्शन सेक्शन से एक काम मैं करता हूँ, जो हमारा टेक्स्ट है हेडिंग और सब हेडिंग, उसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के जरिए नीचे ले आया। कलर इनका जो है वो मैं कलर में इन यूज में जाके ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर्स का मैंने आपको बताया था, अभी हमें सही अंदाज़ा नहीं है, एंड पर हम जाके कलर्स जो हैं वो इनके दुरुस्त कर सकते हैं। चलें जी टेक्स्ट कॉपी करते हैं जल्दी से ब्लॉग के सेक्शन में, डब्ल्यू पी ब्लॉग, ये हमारा टेक्स्ट, साइज इसका है 30 और अलाइन सेंटर 30 एग्जैक्टली साइज, और ये हमारा जो यहाँ पर ये सब हेडिंग है डिलीट कर देता हूँ, सॉरी कंट्रोल जी, कहीं गड़बड़ है, ये सब हेडिंग और ये सब हेडिंग प्रॉपर सेक्शन में मैंने नहीं मूव की। कॉल टू एक्शन सेक्शन को लॉक कर दें, अगर कहीं गड़बड़ कभी भी हो जाए तो कंट्रोल जी आपको बेहतरीन साथी है जी। ये हमारी हेडिंग सब हेडिंग की यहाँ ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दी, कंट्रोल जी से डिलीट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं ये करता हूँ कि ये इमेजेस ऐड करता हूँ ब्लॉग के, फाइल में जाके प्ले इंपोर्ट प्लेस इमेज और ये इमेज है जी हमारा, कि इमेज प्लेसमेंट जो है वो मुझे बड़ा डिस्टर्ब करती है। ये इमेज आ गया जी, बहरहाल आप एक दफा इमेज के साइज वगैरह सेट करके तो आप आसानी से उसका साइज जो है वो वही वाला डुप्लीकेट करके आप रिप्लेस कर सकते हैं। अनाउंसिंग न्यू रेटिंग फील्ड, और ये रहा हमारा ये हेडिंग, कट कर ली मैंने, पेस्ट कर दी, और इसको मैं कर देता हूँ काफ़ी छोटा, मज़ीद थोड़ा सा बड़ा, और ये यहाँ पर ले आते हैं। इसका साइज़ आई थिंक दुरुस्त है, सिर्फ इसकी जो स्पेसिंग है वो 130 है, एग्जैक्टली 130। यहाँ पर अगर मैं इसका बढ़ा सकूँ ओपेसिटी स्क्रीनशॉट की, तो आप देखेंगे कि एक बॉर्डर इस्तेमाल किया है इसने, इमेज के इर्द गिर्द एक बॉर्डर इस्तेमाल किया है, और इस बॉर्डर का जो बॉर्डर जो है वो हम भी इस्तेमाल करेंगे। कलर में इसका कहीं पर महफूज कर लेना चाहता हूँ, एक बॉक्स सा बनाते हैं इसी ब्लॉग एरिया में, और इसका ये वाटर कलर, और बेशक आप डिलीट कर दें इसको। अच्छा जी, इसकी रेजोल्यूशन हम दोबारा से 20% कर देते हैं, और ये इमेज सेलेक्ट किया और बॉर्डर में जाके आप इसको कर दें 10,
इसके बॉर्डर को टेन कर दें, और 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 आपने क्या करना है, और ये आपने करना है कि इसका जो कलर है वो आपने बदलना है। तो वो बदलने के लिए मुझे इन यूज में या स्विचेस में जाना होगा। मैंने कलर सही से नहीं महफूज किया। चले दोबारा से कर लेते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया और ये इमेज, और यहाँ से इसका ये कलर दुरुस्त हो गया। अब स्क्रीनशॉट, इसको दोबारा ओपेसिटी 20 कर देता हूँ, ये लॉक कर देते हैं इसको, और बॉर्डर जो है वो आई थिंक मैं कंट्रोल जी बढ़ाना होगा मज़ीद 15। अगर आपको नज़र आ रहा है बॉर्डर, मैं थोड़ा सा सॉरी काफ़ी गहराई से जाके देख रहा हूँ। अलाइनमेंट दुरुस्त कर लें। साइज भी थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत है। इमेज का साइज शिफ्ट प्रेस रखते हुए बड़ा कर सकते हैं आप। ये इसका साइज है। जी और हाइट किया मैंने, और बॉर्डर आई थिंक इसने दुरुस्त हो गया। बॉर्डर इसके पर लगा लेता हूँ मैं। लाइंस लगा लिए मैंने। ओपेसिटी दोबारा से काम करनी पड़ेगी 20। और को अनहाइड करता हूँ, इसको हाइड करते हैं ताकि सही से अंदाज़ा हो। बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा हो गया जी, 10 आई थिंक मोर देन इनफ है। 10 भी नहीं, बॉर्डर 8 और बॉर्डर 7, 6 आई थिंक अब ठीक है। बहरहाल जी, हम कौन सा एग्जैक्ट एक एक चीज़ को कॉपी करना है, क्लोज तरीन हम चाह रहे थे और वो 6 काफ़ी है। बॉर्डर हमने बना लिया। अब जल्दी से ये करते हैं कि ये टाइटल हो गया हमारा टाइटल, और ये इमेज होगी हमारी कंट्रोल सी जी, और इसको हम नाम दे देता हूँ मैं ब्लॉग पोस्ट का। और Alt Shift से इसको ड्रैग कर लिया यहाँ पर, और ये जो फालतू लाइंस हैं इनको आप बेशक ख़त्म कर दें, क्योंकि मुझे गाइडलाइंस एक्स्ट्रा अगर हों तो वो बहुत डिस्टर्ब करती हैं। मुझे लगता है आपके साथ भी यही मसला होगा। 4 ये ब्लॉग पोस्ट हमने बनानी है, तो मज़ीद 2 जो हैं वो इन दोनों को सिलेक्ट करके Alt Shift से ड्रैग कर लेता हूँ। कंट्रोल जी, कहीं और भी गड़बड़ हो रही थी, स्क्रीनशॉट भी एक जो है वो एक्स्ट्रा बन रहा है। इस स्क्रीनशॉट को सेंटर कर दूँ, और ये दोनों ब्लॉग पोस्ट, 3 ब्लॉग पोस्ट हैं सॉरी, एक स्क्रीनशॉट की वजह से नज़र आ रही थी। कंट्रोल जी, दोबारा स्क्रीनशॉट सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल जी, क्या हो रहा है,
कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के ज़रिए मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको इधर ले आते हैं। आल्ट के साथ कुछ अजीब सा मसला हो रहा था। कंट्रोल ज़ीरो और नीचे आ जाते हैं। चले जी जल्दी से मैं इनका भी टेक्स्ट और ये चेंज कर लूँ तो फिर इसके बाद मज़ीद आगे वीडियो को लेके चलते हैं। वीडियो में दोबारा खुश आमदेद। ब्लॉग एरिया हमारा जो है वो मुकम्मल हो गया है। ये देखें, तीन ब्लॉग पोस्ट और तीनों के इमेजेस और जो टाइटल थे वो मैंने चेंज कर लिए और अब हमारा जो पेज है वो कुछ ब्लॉग एरिया यूँ लग रहा है। और आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या एफएक्यू का जो एरिया है, सेक्शन है, उसको हम करते हैं डिज़ाइन। और स्क्रीनशॉट को लॉक कर दिया मैंने। एफएक्यू को ओपन कर लेता हूँ और ब्लॉग से यूँ करता हूँ मैं कि हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कंट्रोल वी पेस्ट कर लिया और इसको एफएक्यू के अंदर ले आता हूँ। एफएक्यू को अनलॉक नहीं किया मैंने जी। अब हेडिंग को मैं नीचे ले आता हूँ और ब्लॉग एरिया को दोबारा से लॉक कर देता हूँ। टेक्स्ट हम कॉपी करेंगे यहाँ से, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। सेंटर करूँगा और मुझे उम्मीद है कि ये टेक्स्ट साइज बिल्कुल दुरुस्त है। डू यू हैव अ क्वेश्चन, कंट्रोल एक्स से मैं कट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, आल्ट और शिफ्ट से मैं नीचे ले आया, इसे पेस्ट कर देता हूँ इस टेक्स्ट को और इसको छोटा कर लेते हैं हम। सब हेडिंग है ये 30 और 16। फॉन्ट जो है वो है लाटो, सब हेडिंग के लिए ये लाटो फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। सेंटर कर लेते हैं इसको और मज़ीद क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा किया और आप देखें कि साइज जो है वो नहीं मैच कर रहा या कर रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर लें शायद तो ये काम बन जाएगा। मेरा ख्याल है 18 पिक्सल जी और ऑटो, सॉरी कंट्रोल जी, हाइट ऑटो करनी है जी। और इसकी जो लाइन हाइट है वो 130%। ज़बरदस्त, हम काफ़ी नज़दीक पहुंच गए जी। और यहीं पर इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ये देखें लाइन एक लगाएंगे, यहाँ से एल सेलेक्ट करें अगर आप, एल लाइन टूल, ये एल शॉर्टकट की है इसकी, और शिफ्ट प्रेस रखते हुए एक लाइन आप यहाँ पर कर सकते हैं ड्रॉ। और इस लाइन की साइज़ मुझे पता है 960 है, ज़ाहिर 960 में हम बना रहे हैं। ये सेंटर कर दें इसको और अब आपने करना ये कि ये टेक्स्ट, सॉरी कंट्रोल जी कर दें, कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने, कंट्रोल वी से पेस्ट। और अब क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ से कट करूँगा और इधर ला के पेस्ट कर दूँगा। इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर, सॉरी लेफ्ट अलाइन है और जो आपका क्वेश्चन है वो बोल्ड है, बाकी नॉर्मल टेक्स्ट में है। और ये मैंने इसके ऊपर लेके आके छोड़ दिया। यहाँ से हम एक दफ़ा मैं मज़ीद इंटर करूँ, अगर नहीं 130 के बजाय लाइन हाइट जो है वो है 150%। असल में लाइन हाइट 130 ही रहेगी ये, और मुझे आंसर अलहदा से
यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, कोई मसला नहीं, कर लेते हैं। नीचे लें और इसका जो नॉर्मल कर दें, रेगुलर आंसर पेस्ट कर दिया मैंने। और इसकी विड्थ फुल विड्थ है, आंसर क्वेश्चन 18 पिक्सल है और आंसर आई थिंक 16। इफ यू वांट टू क्रिएट ये देखिए लाइन हाइट दुरुस्त है थोड़ा सा नीचे ले आया मैं, सॉरी कंट्रोल जी किया, ये रेक्टेंगल लॉक किया करें हमेशा, ये अक्सर मूव हो जाता है। ये और अब इस लाइन को कंट्रोल सी कंट्रोल वी और मैं नीचे ले आया इसे यहाँ पर, और ये हमारा एक क्वेश्चन जो है वो एक बात, दूसरी लाइन हेडिंग, ये हेडिंग में क्या है, ये आंसर है हमारा, इसको नाम दे दें आंसर का। और ये होगी हमारा क्वेश्चन और ये हमारी हेडिंग है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल जी और इसका नाम रखें फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है ये हमने शो किया है कि जैसे ये ओपन हो, इसका आंसर भी शो हो रहा है, बाकी सिर्फ क्वेश्चन हम शो करेंगे। और अब हम जल्दी से वो बना लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लें 960 साइज है इसका, 960 विड्थ है और वी मूव टूल के लिए थोड़ा सा ऊपर ले गया वैसे, और अब थोड़ा सा मजीद ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन का टेक्स्ट है उसको कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ बाहर ला के पेस्ट कर दिया, और इसको मैं नीचे ले आता हूँ। अब कंट्रोल एक्स पेस्ट कर दिया देखिए, और ये बात ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर जो पाथ है उसका साइज 0, जीरो वन पिक्सल, और ये जो दोनों पार्ट हैं ये भी हैं बॉर्डर वन पिक्सल, ये पार्ट ये और ये, और इन तीनों के जो कलर हैं वो हैं फिल वक्त के लिए, ये बाद में हम चेंज कर देंगे। और अब आप देखें FAQ के सेक्शन में ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सेकंड, और कंट्रोल जी, इसको मैं देता हूँ नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल क्यों, और कंट्रोल सी कंट्रोल वी नीचे ले आया मैं ये देखिए। चलें जी जल्दी से मैं बाकी सारे क्वेश्चन भी ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए जो है वो नीचे ले आता हूँ और इनमें टेक्स्ट जो है वो फिल कर देता हूँ, तो इसके बाद मिलते हैं। वीडियो में दोबारा से खुश आमदेद, FAQ का जो सेक्शन है वो भी मुकम्मल कर लिया है, आप देख सकते हैं
तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए हैं यहाँ पर, और इसके साथ ही हमारा FAQ का सेक्शन भी मुकम्मल हुआ। ये जो दूसरा कॉल टू एक्शन है ये हमने पहले ही मुकम्मल किया हुआ था, अगला सेक्शन हमारा, और अब हम तेज़ी से मूव करते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, फुटर और कॉपीराइट का सेक्शन। फुटर के सेक्शन को मैं ऑन कर लेता हूँ और इसे ऑन करते हैं। स्क्रीनशॉट को मैंने ऑन किया है, विजिबल किया है, और अब मैं यूँ करता हूँ कि ये इसको डिलीट कर देते हैं और कंपनी ये हम ये फुटर के सेक्शन में इन्होंने मुख्तलिफ लिंक्स चूज़ किए हैं, मुख्तलिफ आप कह रहे हैं नेव बार ही हैं एक तरह की, तो हम जल्दी से बना लेते हैं ये। और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करें, हाइट इसकी जो है वो ऑटो कर दें, विड्थ ऑटो कर दें, और हाइट जो है वो हम फिक्स पर जाएंगे, हाइट भी विड्थ फिक्स रहेगी, हाइट ऑटो रहेगी। मेरे साथ अब मैं काफ़ी देर हो गई है ये बनाते हुए, तो अबाउट अस टेस्टिमोनियल इंटर करते जाएं, कंपनी कॉन्टैक्ट, एफिलिएट और ब्लॉग। इसमें जो कंपनी है ये हमने करनी है बोल्ड, और बाकी साइज इसका दुरुस्त है, सिर्फ आपने लाइन हाइट कर देनी है 130, 130 से भी नहीं काम चल रहा, 150 पर अगर हम जाएं, और ये करें कि जो कंपनी है इसके बाद इंटर कर दें आप, तो इसके बाद तो मेरे ख्याल में हमारा 100 से भी काम कर जाएगा, अबाउट अस 120 आई थिंक। मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करके देखें, और अब मैं ये करूँगा कि यहाँ पर हमारे पास आई थिंक ग्रेविटी डिज़ाइनर के अंदर अंडरलाइन का जो ऑप्शन है ये फिल वक्त अवेलेबल नहीं है। जी हम अंडरलाइन नहीं कर सकते टेक्स्ट को, तो आप चाहें तो इसके नीचे लाइन लगा दें, लेकिन मैं अभी लगाने नहीं जा रहा लाइंस, और सिंपली हम आगे चलेंगे। ये टॉप फीचर जो है इसको Alt और C से ड्रैग करके इधर ले आया मैं, और ऐसे ही यहाँ पर एंट्री मैनेजमेंट वाला सेक्शंस, और ये आवर ब्रांड्स, ये मुख्तलिफ नए बार्स हैं जो यूज़ हुई हुई हैं और बड़ी आसान होती हैं, ये बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हमने कंपनी पर ये आखिरी कौन सा है, हेल्पफुल लिंक्स, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+X कट कर लिया है बेसिकली, और इस सब को सिलेक्ट करें और नॉर्मल कर दें, रेगुलर इसको, हेल्पफुल लिंक्स जो है इसको बोल्ड कर दें यहाँ से, और अब आपने करना है यहाँ पर डबल इंटर स्पोर्ट के बाद माफ कीजिएगा रात काफ़ी हो गई है, मुझे लगता है शायद मैं थक गया हूँ, प्लान एंड प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन के बाद इंटर करें, अगर आप प्लान एंड प्राइसिंग वर्डप्रेस होस्टिंग स्टार्ट अ ब्लॉग, और इसको थोड़ा सा मैं अगर स्टार्ट अ ब्लॉग और मेक अ वेबसाइट, और अब हम इसको कर देते हैं इधर,
इन्होंने जो मुख्तलिफ लिंक्स यूज़ किए हुए हैं उनके साइज़ भी डिफरेंट हैं, तो इसका हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ से ये जो ऑरेंज कलर का है इसको अगर आप शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो टेक्स्ट का जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है। यहाँ से 15 और ये ऑलमोस्ट ओके है। सिर्फ ये करें कि इसकी लाइन हाइट 100 ही कर दें। इंटर। और ये मेरा ख्याल में ठीक है, फिलहाल के लिए ये काफी बेहतर है। और अब हम अगले पर आते हैं जी। ये आइकन्स मैं नहीं लगाने जा रहा, आप चाहें तो ये लगा सकते हैं। मुख्तलिफ आइकन्स की साइट्स से आपको SVGs मिल जाएंगी, उन्हें आप वहां से करके डाउनलोड करके तो यहाँ पर लगा सकते हैं। ऑप्टन मॉन्स्टर, यहाँ पर इंटर की जरूरत है मुझे। मॉन्स्टर इनसाइट्स, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। WP बिगिनर, और इसको मूव कर लूँ मैं। इज इट WP, और कनेक्ट विद अस, इसको मैं डिलीट करने जा रहा हूँ फिलहाल क्योंकि हम नहीं यूज कर रहे ये। और ये सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ रेगुलर। ओवर ब्रांड्स, ओ यू आर ब्रांड्स, और ये बेसिकली एक पाकिस्तानी भाई हैं, काफ़ी अरसे से अमेरिका में रैश परीर हैं। WP बिगनर्स वाले, उन्हीं की ये कंपनी है जो WP फॉर्म्स बना रही है, तो सैयद बलही। आगे आते हैं जी टॉप फीचर। इसमें मैं सेव करने जा रहा हूँ। अब फाइल काफ़ी बड़ी हो गई है और मेरा PC जो है वो कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लेता है। आपका PC अगर ठीक है तो ये बिल्कुल टाइम नहीं लेगा, लेकिन अगर ले भी तो क्या हुआ, आखिर को मुफ्त का है ये टूल, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें इसे। चलें जी, ये कंपनी इसको सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल V कर दिया, कंट्रोल A से सबको रेगुलर कर लिया मैंने, और टॉप फीचर को सिलेक्ट करके बोल्ड और इंटर कर दें। नीचे ले आए, ऑनलाइन फॉर्म बिल्डर, प्रॉपर जगह पर आपने इंटर प्रेस कर देनी है। कंडीशनल लॉजिक, मेलचिम फॉर्म्स, मेलचिम फॉर्म्स, एवेबर फॉर्म्स, और फाइल अपलोड, स्ट्राइप फॉर्म्स, कुछ टेक्स्ट रह गया है शायद कॉपी होने से। ये स्ट्राइप फॉर्म और पोस्ट सबमिशन, ये हमारा टॉप फीचर बन गया। और अब आखिरी रह गया हमारा, ये मैं कट कर लिया। कुछ गड़बड़ हो गई है, कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये वाला मैंने सिलेक्ट करना है, कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल A और रेगुलर। और इंट्री मैनेजमेंट हेडिंग क्या है यहाँ पर, कुछ
कोई हेडिंग नहीं है, ये सारे रेगुलर हैं। एंट्री मैनेजमेंट, फॉर्म नोटिफिकेशन, एंट्री मैनेजमेंट, फॉर्म नोटिफिकेशन, फॉर्म कंफर्मेशन और स्पेम प्रोटेक्शन, मल्टी पेज फॉर्म्स, पेपॉल फॉर्म्स, गेट रिस्पांस फॉर्म्स। बेसिकली मुख्तलिफ किस्म के लिंक्स हैं जो कि यूज़र के लिए ज़रूरी हैं, वो वाले यहाँ पर उन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये हमारा बन गया जी ये सेक्शन, इसको मैं ऑफ करता हूँ। ये हमने कोई सही से उसको नहीं किया, ये स्क्रीनशॉट हमारा, और इसको ऊपर ले आया। यहाँ पर ये जितनी भी नेविगेशंस थी ये इस दफ़ा गलत सेक्शन में मैंने कर दी थी, इसको मैं पकड़ के नीचे ले आया हूँ, ड्रैग कर लिया है। और अब अगर हम इसे ऑफ करें तो आप देखें कि ये काफ़ी क्लोज है उसके, ये वाला सेक्शन काफ़ी क्लोज है। अगरचे हमने इस पर को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, अगर आप चाहें तो नीचे लाइंस लगा के इसको भी वैसा बना सकते हैं, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। एक काम सिर्फ आप कर लें, मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर इन दोनों को मैं अलाइन कर देता हूँ, और बल्कि इन चारों को अलाइन कर देते हैं हम, अलाइन टॉप, और ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। तो चलें जी, ये वाला सेक्शन भी हमारा मुकम्मल हुआ। आखिरी सेक्शन पर आते हैं, जल्दी से उसे बना लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ हमने कैसा ये डिज़ाइन किया है। कंट्रोल सी, और अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जल्दी से यहाँ पर ड्रैग कर लिया मैंने, कंट्रोल वी कर दिया, और इसको काफ़ी ज़्यादा, और ये इसका साइज आई थिंक 14, ये हम कहाँ पर कर रहे हैं, कॉपीराइट के सेक्शन में करना है, लेकिन आई थिंक मैंने फिर किसी गलत सेक्शन में किया है। ये रहा, और इसको अनलॉक करता हूँ कॉपीराइट के सेक्शन को, और इसे ड्रैग करते हैं इधर, इसको लॉक कर दिया फुटर को, और अब मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, टर्म ऑफ सर्विस, सॉरी ये बार बार सेलेक्ट हो जाता है, इसको मैं एक दफ़ा अलाइन सेंटर करके लॉक कर दूँ। और टर्म्स ऑफ सर्विस के बाद स्पेस, और आपने प्राइवेसी पॉलिसी के बाद भी स्पेस देनी है, और 12 साइज का रखें। अगर आप यहाँ से हम हटा देते हैं और 130 कर देते हैं, 150, 200, फिलहाल ऐसे ही चलेगा। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि दोनों का ही साइज होगा 16 और 14 और 150 से आई थिंक काम चल जाएगा जी। चलें जी, ऑफ करता हूँ मैं इसे, और हमारा ये जो सेक्शन है ये भी हो गया मुकम्मल। ऑटो और कंट्रोल ज़ीरो, कंट्रोल आल्ट ज़ीरो, और देखें जी मुकम्मल पेज, हमने WP फॉर्म्स को मुकम्मल रेप्लिका पेज जो है वो बना लिया है ग्रेविट डिज़ाइनर की मदद से। और मुझे यकीन है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मैं आपको अभी इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ, इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल फाइल में जाके एक्सपोर्ट करता हूँ मैं इसे, थोड़ा सा टाइम ले शायद।
PNG इमेज या JPEG इमेज के तौर पर मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करने से पहले मैं इसे सेव कर लूँ, क्योंकि कोई पता नहीं होता, बाज़ दफ़ा ये नहीं करता, क्रैश भी हो सकता है प्रोग्राम में आखिर। तो जितनी देर में ये सेव हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अगर अभी तक नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही डिज़ाइन की मुख्तलिफ ट्यूटोरियल मिलेंगे। अभी ये रेप्लिका ट्यूटोरियल था, आगे चल के हमें मुकम्मल क्रिएटिव डिज़ाइन जो हैं वो बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे, इंस्पायरेशंस लेंगे और फिर एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाएंगे, मुख्तलिफ लैंडिंग पेजेस का, वेबसाइट्स का, वन पेज साइट्स, मल्टी पेज साइट्स और भी बहुत कुछ होगा, वर्डप्रेस के मतलब, HTML के मतलब। अभी आने वाले दिनों में मैं इसी ये जो हमारा हमने डिज़ाइन बनाया है इसको वर्डप्रेस में करूँगा, इसको कन्वर्ट करूँगा वर्डप्रेस में एलिमेंटर की मदद से। तो लैंडिंग पेज एक्सपोर्ट कर लेता हूँ मैं इसे, और अब अगर मैं जाके देखूँ, नहीं सॉरी, वेब कंटेंट, मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ, लैंडिंग पेज डिज़ाइन डिज़ाइन, और ये है जी वो जो हमने बनाया है। अब अगर मैं इसे ओपन करूँ फायरफॉक्स ब्राउज़र की मदद से, तो आप देखेंगे, मैं बता रहा था कि अगले आने वाले दिनों में मैं इसी डिज़ाइन को बनाऊँगा एलिमेंटर की मदद से, और फिर हम इंशाल्लाह इसको HTML और CSS की मदद से भी बनाएंगे। तो ये है जी वो डिज़ाइन जो हमने एलिमेंटर की सॉरी ग्रेविट डिज़ाइनर की मदद से बनाया है। और अब मैं आपको ये एक्चुअल में भी दिखाता हूँ, wpforms.com, साइड टू साइड इसे कंपेयर करते हैं। इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में ही आप वर्डप्रेस और एलिमेंटर के साथ इस डिज़ाइन को बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम लाइन लगाना भूल गए, टॉप पर आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं बॉर्डर, और नीचे देखें ये सेक्शन हमने बनाया बड़ी खूबसूरती से, और यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो इसका राउंड राउंड कम है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, आप इसे कम कर सकते हैं। आफ्टरऑल ये एक लाइव मैंने किया है और बाद में इसे चेक भी नहीं किया, आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और ये देखें, ये वाला सेक्शन हमने बनाया यहाँ पर, और सी ऑल फीचर्स, इसको आप देखें, लाइन जो है वो बड़ी लाइट है, कलर्स हमारे रह गए, कलर्स आप यहाँ से देख के तो कर सकते हैं एग्जैक्टली। और ये सेक्शन, और ये हमारा डिज़ाइन, और एंड तक आप चले हैं, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और ये हमारा फुटर जो कि लाइव साइट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखा होगा आपने। अगले चंद दिनों में आप इसी डिज़ाइन को पहले एलिमेंटर की मदद से और फिर HTML और CSS की मदद से बनाएंगे, सीखेंगे आप, मैं आपके साथ सीखूंगा, सिखाते हुए ज़ाहिर बंदा ज़्यादा सीखता है। तो उसके लिए मुझे यकीन है चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो अभी कर लें, बेल के आइकन्स को दबाएं ताकि नई वीडियो जब अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, चलता हूँ।